भगवान तो कभी किसी गंदे स्थान पर नहीं बैठेंगे, भगवान तो हमेशा भक्त के स्वच्छ सतोगुणी स्थान पर बैठते। फिर हिरण्यकश्यप के आसन को कैसे स्वीकार किया, क्योंकि हिरण्यकश्यप भगवान के द्वारपाल जय है, ये दो भाई थे जय और विजय, जो कि भगवान कृष्ण के द्वारपाल है यानी गेट कीपर। जब सनत कुमार विचरण करते हुए द्वारपाल वैकुंठ के 6 गेट पार कर गए थे और 7वें द्वार को पार करने वाले थे, तभी जय विजय ने उनको रोक दिया कि तुम नग्न अवस्था में कहां जा रहे हो। अब वो बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, लेकिन अपने आप को 5 साल की अवस्था से ऊपर नहीं ले जाते, क्योंकि 5 साल से नीचे का बच्चा नग्न रह सकता है, उसको वस्त्र आदि की जरूरत भी नहीं लगती है। अगर बड़े हो जाओ तो शर्म आती है, वस्त्र चाहिए, खाना चाहिए, इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। इसीलिए आचार्य कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को भक्ति करनी है तो बाल स्वरूप हो जाए, बच्चे जैसा बन जाए। छोटे बच्चे को एक थप्पड़ लगा दो, थप्पड़ खाएगा चला जाएगा, रोते रोते बात नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा, और थोड़ी देर बाद पुनः आकर के पिता की गोदी में बैठ जाएगा। पिता कहेंगे क्या हुआ, कॉफी खाई, अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा। बुरा तो नहीं माने? नहीं माना। क्यों? अरे आप तो मेरे पिता है। कोई भी उसको कुछ भी कह दे, पार्क में लड़ाई करके आएगा, आप नहीं आऊंगा कभी, अगले दिन फिर सनंदन, सनातन, सनत, ये 4 भाई, इनमें से सनत सबसे बड़े हैं, इसलिए इनको सनत कुमार कहते हैं। तो ये 4 भाई थे, पहुंच गए और उन्होंने वैकुंठ के 7वें द्वार में प्रवेश करना चाहा तो उनको रोक दिया गया। बोले नहीं नहीं, तुम्हारी एंट्री नहीं हो सकती, तुम नग्न अवस्था में आ रहे हो अंदर। तो उन्होंने कहा तुम जानते नहीं हो, बहुत बड़े ऋषि मुनि इस पूरी सृष्टि के प्रथम जीव है, श्राप दे दिया कि तुमको पृथ्वी पर असुर बनना पड़े। तो वही जय विजय, जय बने हिरण्यकश्यपु और विजय बने हिरणाक्ष, फिर बने रावण कुंभकर्ण और फिर बने शिशुपाल और दंतवक्र। ये 3 बार इनका जन्म हुआ। इसी कारण से भगवान जानते हैं कि ये मेरे भक्त हैं। भगवान ने जय यानी हिरण्यकश्यप के सिंहासन को स्वीकार कर लिया और जाकर के बैठ गए, क्यों भगवान के भक्त हैं, आए हैं किसी कारण से लीला करने के लिए। तो वैसे तो जय विजय वैकुंठ से कोई गिरता नहीं है, वैकुंठ एक बार चला गया, परंतु भगवान कृष्ण ने वहां पर अपने गरुड़ में प्रकट होकर कहा तुम लोग 3 बार असुर बनकर मेरे साथ मेरी युद्ध लीला करना चाहते हो या 7 बार मेरे भक्त बनकर मेरी भक्त लीला करना चाहते हो। तो जय विजय ने कहा प्रभु हमें 3 बार असुर बनना मंजूर है ताकि हम जल्दी से जल्दी आपके धाम में पुनः वापिस सेवा में आए, हमें आपकी सेवा से दूर रहना अच्छा नहीं लगता। तो भक्त का एक गुण है कि भक्त कभी भगवान से दूर नहीं रहना चाहता, भगवान की सेवा से दूर नहीं रहना चाहता, कितनी जल्दी हो पुनः हमें सेवा मिल जाए, चाहे उसके लिए हमें दंड मिले, लेकिन हमें सेवा में वापस आने की जल्दी रहती। इस प्रकार भगवान सिंहासन पर बैठे थे लेकिन बड़े रौद्र रूप में थे, बड़ा चिल्ला रहे थे, हाँ हाँ करके चिल्ला। सारे देवता, किन्नर, सिद्ध, चारण, सभी अन्य अन्य लोगों से भगवान के इस अद्भुत उग्र वीर नरसिंह रूप का दर्शन करने आए। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतः सर्वोत्तमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर मृत्योर नमाम्यहम। तो भगवान जो है उग्रम वीरम बहुत उग्र रूप में थे, लेकिन भगवान ने प्रहलाद जो थे वो वहां पर खड़े माला लेकर भगवान को वेलकम करने के लिए कि मेरे पिता तो नहीं स्वागत कर पाए लेकिन कम से कम उसी वंशानुगत मुझे इनका स्वागत कर दिया। अन्य देवता भी वहां खड़े हैं, ब्रह्मा, शिव। तो यहाँ पर हम प्रार्थना लेंगे कि भागवतम के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं किस प्रकार से देवताओं ने भगवान नरसिंह की स्तुति कर
तो आज भगवान की नरसिंह चतुर्दशी बड़ा महत्वपूर्ण उत्सव है। लोग आज के दिन व्रत रखते हैं, भगवान नरसिंह से प्रार्थना करते हैं कि हमारी भक्ति की रक्षा करिए। जिस प्रकार आपने प्रहलाद की भक्ति की रक्षा करी, हमारे प्रचार मूवमेंट, हमारे केंद्रों की रक्षा करें, हमारे घर की रक्षा करें, ताकि हम इसके माध्यम से भगवान आपका प्रचार कर सकें। तो सारे देवता भगवान के निकट आ गए, ब्रह्मा, इंद्र, शिव और जो प्रमुख प्रमुख पितृ लोग, सिद्ध लोग, विद्याधर, चारण, सभी प्रार्थना प्रारंभ की। तो आज हम उन प्रार्थना को सुनेंगे, किस प्रकार हमें भगवान नरसिंह की प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहले ब्रह्मा ने कहना प्रारंभ किया, श्री ब्रह्म वाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नतो अस्मि अनंताय दुरंतय शक्तये विचित्रः वीर्यः अवित्रः कर्मणे विश्वस्सः स्थिति संयमाना गुणे स्वलीलाय संधते अव्य आत्मने। ब्रह्मा जी कह रहे, नत अस्मि अनंताय दुरंतः, हे प्रभु आप अनंत हैं, आप एक नहीं है, आप अनंत है, आपने अनंत बार अनेक अनेक भक्तों की प्रसन्नता के लिए अनंत रूप में दुरंत, जिसको ढूंढ पाना हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए बड़ा मुश्किल है। आप अनंत हैं और दुरंत हैं, एक शब्द है अनंत और एक दुरंत, यानी कि दूर दूर तक आपका अंत पता नहीं चलता है, जैसे समुद्र का छोर नहीं दिखाई देता। प्रभु आप दुरंत हैं, दूर तक दिखाई नहीं देते, समझ नहीं आते। शक्तया, आप में विभिन्न विभिन्न शक्तियां छुपी हुई है, मैं अभी देखकर हैरान हूं कि कैसे आपने मेरे वरदान को पूरा करने के लिए एक नरसिंह का अद्भुत रूप दे लिया, जो ना नर है ना पशु है, आपने इतना सुंदर रूप धारण किया है। आप शक्त है, अनेक शक्तियों से परिपूरित है, विचित्र वीर है, और नाना प्रकार के विचित्र विचित्र पराक्रम दिखाते हैं, कभी मछली बनकर, कभी कछुआ बनकर, कभी सर्प बनकर, और कितना सुंदर आपने ये आधे पशु और आधे मनुष्य का रूप लिया है, नरसिंह रूपा। कौन है ये नरसिंह रूप रखने वाले? कई लोग सोचते हैं विष्णु है, कई लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा है, कोई बोलते हैं देवी है ना, एक लोग एक ने बनाया है, देवी स्तुति बनाई है, देवी जी के लिए गाते हैं, जय जगदम्बे जय जगदम्बे, प्रकट भई फाड़ के खम्बे जय जगदम्बे जय। अरे जगदम्बा नहीं हुई थी प्रकट फाड़ करके, यहाँ पर केशव धीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे, केशव धीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। केशव, कृष्ण भगवान ने ही नरहरि नरसिंह का रूप रखा है, और कोई नहीं है। जयदेव गोस्वामी गाते हैं यही है, तब कर कमल बरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम, केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। वही कृष्ण केशव आज अपने भक्त की रक्षा करने, विचित्र वीर है, आपने विचित्र पराक्रम दिखाए प्रभु, ऐसा कोई नहीं कर सकता, कोई माता पिता ऐसा नहीं कर सकते अपने बच्चे के लिए। पवित्र कर्मणे, और आपने जिनके कर्म का फल नहीं होता है उन कर्मों को कहते हैं पवित्र कर्मणे। दुनिया कर्म करती है लेकिन उसको अपने कर्मों का फल पाना पड़ता है। सुख, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलते हैं, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म मिलेंगे, अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा और बुरे कर्मों का बुरा नतीजा। इसलिए संसार में लोग पुण्य करने में ज्यादा अपने आप को लगाते हैं, परंतु पुण्य उन्होंने संसार में ले आएंगे, लेकिन भगवान के जो पाप हैं वो भी संसार में ले आएंगे। लेकिन जो कर्म भगवान के ऐसे करो भगवान कृष्ण के लिए कि संसार में वापिस न लाए, उन कर्मों को अकर्म या फिर पवित्र कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पवित्र कर्मणे, चाहे बुरा ही कर्म क्यों ना हो, करे, भौतिक गुणों से दूषित नहीं होता है। इस तरह आपके जो कर्म है कृष्ण वो पवित्र कर्म है। विश्वसह सर्ग स्थित, आप इस विश्व के सर्ग यानी सृष्टि, इसके असली कारण आप। एक पहला कारण होता है प्राइमरी रीजन,
एक दूसरा कारण होता है, सेकेंडरी रीजन, इस सृष्टि के प्रथम कारण देव आप ही हैं। मैं सृष्टि का द्वितीय कारण हूँ, प्रथम कारण आप, सर्व कारण कारण आप ही। मुझे लोगों ने सृष्टि का रचयिता कह के मेरा अपमान किया है। मैं सृष्टि का रचयिता कैसे हो सकता हूँ? ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि का रचयिता तो आप है। यानी कि एक घर बने और उस घर में जो मिस्त्री होता है या ठेकेदार होता है, उस ठेकेदार को मालिक ला करके पानी, मिट्टी, ईंटे, डोड़ी, बजरी, सीमेंट सब ला करके दे। जब मिस्त्री ठेकेदार उस पूरे घर को बना दे तो जो घर के अंदर रहने वाले किराएदार हैं वो कहें, अरे मिस्त्री तुम्हारी जय हो, ठेकेदार तुम्हारी जय हो, तुमने हमारा घर बना दिया। अरे घर उसने थोड़ी बनाया, मालिक ने लाकर के उसको सामान दिया, तब मिस्त्री ने ठेकेदार ने उसकी ऑर्डर पर उसके नक्शे के अनुसार घर को बना दिया। ब्रह्मा जी को महत्त्व के रूप में, सारे संसार के मूल कारण रूप में, उद्गम रूप में सब कुछ प्रदान करते हैं और फिर गाइड करते हैं कैसे बनाना, नक्शा देते हैं सृष्टि का, यहाँ कमरा बनेगा, यहाँ छत बनेगी, यहाँ बाथरूम बनेगा, यहाँ टॉयलेट बनेगा, तब ठेकेदार बिल्डर उसको बना दे तो वो मालिक थोड़ी हुआ, वो द्वितीय कारण है। प्रथम कारण तो मालिक, जिसने पैसा लगाया, इन्वेस्टर, जिसने माल, जिसने प्रॉपर्टी का रॉ मटेरियल लाकर दिया। इस महत्त्व रूपी रॉ मटेरियल को प्रदान करने वाले हैं ब्रह्मा जी, कहते हैं आप हैं। सर्ग स्थित संयमानम गुणे, इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार ना ब्रह्मा करते हैं, ना विष्णु करते हैं, ना महेश करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं सर्ग स्थित संयमानम, इसकी सृष्टि, इसका पालन, इसका संहार तो आप ही करते। गुणे, और आप भौतिक गुणों में बनते नहीं, तीनों गुणों से परे त्रिगुणातीत प्रभु स्वलीलायः संदते अव्यात्मने, आप आसानी से इसको संपन्न कर लेते हैं, केवल संकल्प शक्ति के मात्र, देखने मात्र से आप इसे पूर्ण कर लेते हैं अव्यात्मने। और इतना कुछ करने के बाद भी आपके मूल उपादान कारण में कोई कोई नाश नहीं होता कि अरे भगवान ने इतनी मेहनत करी तो अब थोड़ा कम हो गए होंगे, 100-200 ग्राम घट गया होगा। नहीं, भगवान का कुछ घटता नहीं है, भगवान जैसे थे वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, उनके अंदर कोई घटता नहीं है। कितना सृष्टि बनाए, कितने ब्रह्मांड बनाए, हजारों ब्रह्मा बनाए, हजारों विष्णु बनाए, हजारों शिव बनाए, फिर भी कृष्ण यथारूप बने गए। कई बार लोग बोलते हैं कृष्ण ने नरसिंह का रूप रखा तो वो तो नरसिंह रूप लेके अपने भक्त की रक्षा के लिए आ गए। तो गोलोक धाम में कौन था? केशव धृता नर हरि रूपा। अब हम ड्रामा करने जाएं आज नरसिंह रूप का, तो अपने घर से निकलकर जब नरसिंह बन जाएंगे दाढ़ी लगा के शेर बन के, तो घर पर कोई नहीं रहेगा क्योंकि हम तो स्टेज पर चले जाएंगे, और स्टेज पर हम अगर रहेंगे तो घर पर कोई नहीं, और घर आ जाएंगे तो स्टेज पर कोई नहीं। लेकिन ये कैसा है कि भगवान स्टेज पर भी थे और गोलोक में भी थे, ऐसा कैसे होता? ईशोपनिषद के स्तुति वचन में कहा जाता है ओम पूर्णम अदः पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अविशिष्यते। भगवान ओम पूर्णम अदः, भगवान पूर्ण है, पूर्ण है कृष्ण, पूर्ण अपने आप में कंप्लीट है 100%। पूर्णम इदम, और उनसे जो निकलती है संसार में चीजें वो सब भी पूर्ण है। पूर्णात पूर्णम उदच्यते, भगवान में से पूर्ण निकलने वाली चीजें भी अपने आप में पूर्ण होती हैं। पूर्णस्य पूर्णम अदाय, अगर भगवान की पूर्णता से पूर्ण भी निकाल लिया जाए, 100 में से 100 भी निकाल लिया जाए, फिर भी पूर्णम एव अविशिष्यते, पीछे जो रह जाएगा वो भी पूर्ण होगा। 100 रुपए में से 100 रुपए निकाल लो तो पीछे तो 0 रह जाएगा, लेकिन यहाँ 100 में से 100 निकालने पर भी पीछे 100 रह जाए, ऐसा अद्भुत दिव्य भगवान का रूप है। लोग बोलते हैं कृष्ण तो राधा रानी के साथ नीचे आ गए तो ऊपर कौन था? ऊपर पूर्ण भगवान थे। कृष्ण तो राधा रानी को छोड़कर द्वारका चले गए तो पीछे वृंदावन में कौन था? ओम पूर्णम अदाय पूर्णम इदम, पूर्ण थे। कितना निकाल लो, 1000 निकाल लो, भगवान के अनंत रूप निकाल लो, फिर भी पीछे कृष्ण पूर्ण रह जाते हैं। पूर्णम एव अविशिष्यते, अविशिष्यते यानी पीछे जो रह जाता है पूर्णम, वो पूर्ण ही रहता। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो, पूर्ण रह जाए, और जो पूर्ण निकले वो भी अपने आप में पूर्ण हो, इसी पूर्णता को कृष्ण कहते हैं, भगवान की।
यही है नरसिंह, यही है पूर्ण, कुछ घटता बढ़ता नहीं भगवान ने। अरे इतनी सृष्टि बना दी, एनर्जी घट गई होगी थोड़ी, ग्लूकोन डी का भोग लगा दो भगवान, थोड़ा सा पिलाओ इनको ग्लूकोन डी, नहीं कुछ जरूरत नहीं। तो जब ये प्रस्तुति कर रहे थे तो ब्रह्मा जी को थोड़ा, ब्रह्मा जी कांपते कांपते स्तुति कर रहे थे, नरसिंह भगवान ने ऐसे अपने नख निकाले थे ब्रह्मा की ओर ऐसे करके आंख फाड़ कर देखा करके, तो ब्रह्मा घबरा गए, अरे लगता है इतनी स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए, अभी मुझे एक हाथ लग गया तो मेरा यहीं कहीं सब रह जाएगा स्तुति गान। भगवान क्रोधित होकर के देखे कि तुमको आता नहीं कैसे वरदान देते, किसी भी उल जलूल व्यक्ति को वरदान दे देते, तुम लोगों को मैंने शक्ति दी है, देवताओं को, शिव जी को, दुर्गा को, है ना, इसलिए शक्ति नहीं दी है कि तुम लोग किसी भी असुर को आशीर्वाद दे दो, और यही करते हैं। शिव जी ने भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया तो उन्हीं को भस्म करने लग गया, ब्रह्मा ने हिरण्यकश्यप को आशीर्वाद दे दिया तो ये देखो भगवान ही मानने लगा अपने आप को, शिव जी ने रावण को आशीर्वाद दे दिया तो वो अपने आप को कहीं भगवान राम के आगे झुकाता नहीं था। तो ये असुरों की गुण है, जितने लोग संसार में ये दुर्गा अष्टमी, शिव अष्टमी, शिवष्टक, है ना, सारे गाते हैं और कृष्ण को नहीं मानते हैं, ये और कोई नहीं, ये उसी असुर परंपरा के लोग पैदा हुए हैं, जो अपनी इंद्र तृप्ति, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए देवताओं का गुणगान करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सारे के सारे संसार में लोग भगवान को नहीं जानते, भगवान के भक्त नहीं है, और इसी कारण से इन्हें असुर साम्राज्य कहलाते। इतने में जब शिवजी की ओर देखा तो शिवजी की ओर देखा कि अरे तुम कहीं भी इतना नहीं कर सकते हो, वैसे वैष्णवानाम यथाम शंभु तुम बने हो, भागवत में तुमको वैष्णव में परम बताया गया है, एक भक्त प्रहलाद किया इतना दुराचार हो रहा था, तुम आकर के उसकी रक्षा नहीं कर सकते हो भोले बाबा, है तुम अपने कैलाश में बैठे ध्यान लगा रहे थे, तुम आ नहीं सकते थे। ये बोला नहीं भगवान ने, खाली देखा, देखने से इशारे से समझ गए शिव जी, तुरंत हाथ जोड़ के स्तुति प्रारंभ कर दी। श्री रुद्रोवाच, रुद्र बोलने लगे, रुद्र कहते हैं कोपः कालो युगान्तोस्ते हतो अयम असुरो अल्पकः तत्सुतम पाहि अप्सुतमः भक्तं ते भक्तः वत्सला। रुद्र उवाच, दुनिया में जो शिवजी के भक्त उनको सुनना चाहिए, रुद्र कह रहे हैं, रुद्र उवाच, रुद्र ने कहा, क्या कहा, कोप कालो हो, शिव जी ने कहा कल्प के अंत ही आपके क्रोध का समय होता है, जब काल अंत होता है तो दुनिया कहती है अरे ऐसे नाच रहे हो जैसे भगवान शिव ने तांडव किया हो, तो ये तांडव नृत्य जब होता है तो भगवान शिव तो खाली तांडव करते हैं सृष्टि का, काल को आप ही तो करते हैं, शिव जी कह रहे हैं मैं थोड़ी हूं जो सृष्टि का संहार कर दूंगा, कोप काल, तब आप अपना कोप करते हैं, क्रोध करते हैं, तब काल आता है और सृष्टि भंग होती है, कोप काल हो युगांते, इस युग के अंत में जब प्रलय आती है तब आप ही की कोप से, क्रोध से सृष्टि का विनाश होता है, कोप काल युगांते हता अयम असुर अल्प कहा, और जब अधिक असुर हिरण्यकश्यप मारा जा चुका है, आपने क्रोध किया समझ में आता है हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, लेकिन हे नरसिंह अभी तो ये हिरण्यकश्यप मारा जा चुका है, अब आप क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों क्रोध कर रहे हैं, सारे देवता कहां पर हैं, प्रभु शांत क्यों नहीं होते, कोप काल युगांते युग के अंत में करते हो, हतो असुर, अब तो असुर का हतन यानी हनन हो चुका है, अब क्यों आप क्रोध कर रहे हैं, तत् सत् सत् सुतम हे भक्त वत्सल, प्रभु आप तो भक्तों के वत्सल्य हैं, देखिए आपका भक्त प्रहलाद खड़ा है, सारे भक्त खड़े हैं, कृपया करके अपने पुत्र प्रहलाद की रक्षा करें जो आपके निकट बड़े ही शरणागत भक्त वत्सल भाव से खड़ा हुआ है, माला लेकर आपका स्वागत कर, शांत हो जाइए प्रभु जी, शांत हो जाइए, शिव जी ऐसे कांप कांप के स्तुति कर रहे, भगवान नरसिंह ने ऐसे हो करके शिव जी की ओर भी देखा, शिव जी घबरा गए, तो अपने अपने स्तुति करके लाइन के पीछे, जैसे दर्शन में क्या होता है दर्शन के पीछे आ जाते हैं, तो सारे देवता लाइन में खड़े थे स्कूल असेंबली की तरह, दर्शन करते थे, अपनी स्तुति करते थे, फिर पीछे आ जाते थे, जैसे भगवान ने हो किया पीछे आ गए शिव जी छोड़ करके, बोले अरे 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 अभी तो अभी क्रोध शांत नहीं हुआ, तो इंद्र को बोले
तुम्हारा पुराना नाता है। समुद्र मंथन के तुम्हें परिजात प्रदान किए थे। तुम्हारे लिए वामन रूप लेकर के तुम्हारी माता के कुंडल लेकर के आए। तुम्हारे लिए तीन पग भूमि, तुम प्रार्थना करो, हमसे तो नहीं संभल रहे प्रभु आज। तो इंद्र आ गए आगे। इंद्र गाने लगे, श्री इंद्र उवाच। इंद्र ने गाया। इंद्र कहते हैं, प्रत्यानीता परम भवता त्रायता ना स्वभाग दैत्य कृंतम हृदय कमलम तद्ग्रहम प्रत्याबोध ही कालग्रस्तम क्रियादिदमो नाता शिष्यता मते मुक्ति तेषाम नहीं बहुमत नरसिंह पर ही किम। राजा इंद्र स्वर्ग राजा ने कहा, हे परमेश्वर, हे भगवान, आप हमारे उद्धारक और रक्षक, आप ही तो हमारा उद्धार करते हैं। देवताओं के एक ही हितैषी हैं प्रभु आप। जब जब असुरों ने अपना प्रकोप किया है, चाहे बलि ने किया हो, चाहे शुक्राचार्य के आदि संप्रदाय ने किया हो, आपने सदा हमारी रक्षा करी। आपने दैत्य से हमारे वास्तविक यज्ञ भाग को प्रदान करवाया है। यज्ञ करके जो समुद्र मंथन से कलश निकला, वो भी असुर लेकर भाग गए थे, लेकिन आपने उसे हमें पुनः प्रदान करवाया। चूंकि असुरराज हिरण्यकश्यप अत्यंत भयानक था, बड़ा भयानक था, इसने हमें बंदी बना लिया था। आज आपने इसके स्थायी निवास से हमको पुनः मुक्त कर दिया है और हमें अपने लोक में पुनः भेज दिया। यानी इंद्र को बंदी बना रखा था हिरण्यकश्यप ने, आज मुक्त होकर पुनः अपने लोक को जा रहे हैं। अब आपकी उपस्थिति से हमारे हृदय में जो निराशा आ गई थी, अंधकार आ गया था कि अब हम कभी अपने स्वर्ग का भोग नहीं करेंगे, लो मुक्त करा दिया आपने। वाह वाह प्रभु, आपकी महिमा की जय हो। हे प्रभु, जो लोग आपकी सेवा में सदैव लगे रहते हैं, उनको सारा संसार का भौतिक ऐश्वर्य तो तुच्छ लगने लगता है। आपकी सेवा करने से हमारे हृदय में ये संसार का सुख नगण्य हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल मन ही नहीं होता आप भोग करें। मिल जाए तो ठीक है, ना मिल जाए तो ठीक है, जिस हाल में रखोगे उस हाल में रहेंगे। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहेंगे हम, और कुछ नहीं। जिस हाल में रखेंगे उस हाल में, क्योंकि तो आपकी सेवा से जो आनंद है ना, वो मोक्ष से भी बड़ा आनंद है। इंद्र कह रहे हैं, दुनिया मोक्ष पाके स्वर्ग आना चाहती है। पिताजी गुजर गए स्वर्गवासी हो गए, माताजी गुजर गई स्वर्गवासी हो गई, इसी में रहते हैं। लेकिन प्रभु, आपकी सेवा में जो आनंद है, आपके नाम जप में जो आनंद है, आपकी कथा में जो आनंद है, वो तो मोक्ष पाके भी नहीं मिलता है। मोक्ष की परवाह नहीं करते और धर्म अर्थ काम ये सारे विषयों में फंस जाते हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे स्वर्ग की नगरी बिल्कुल मिट्टी के जैसी दिख रही है, क्योंकि आपके चरणों के प्रति आज मैं आकृष्ट हो गया हूं और मैं इसीलिए आपकी स्तुति कर रहा हूं। तो इंद्र की ओर भी क्रोध से भगवान ने देखा और शांत नहीं हुए कि तुम इतने बड़े राजा हो, जब भी तुम्हारे असुर साम्राज्य बढ़ता था मैं हमेशा तुम्हें बचाने आता था, आज भी आया हूं, लेकिन तुम लोगों ने मिलकर के मेरे प्रहलाद की रक्षा करने का तरह भी प्रयास नहीं किया। इतने बड़े बड़े वरदान तुम लोगों के पास हैं, चाहते तो कुछ तो करते। चलो हिरण्यकश्यप से लड़ने की शक्ति नहीं थी, उसके सैनिक और उसके जो टीचर थे संत अमरक, उनसे तो रक्षा करते, तुमने कभी रक्षा का प्रयास नहीं किया। ऐसा बोले नहीं, इंद्र समझ गए ऐसा बोलने वाले हैं, इससे पहले क्लास लग जाए दौड़कर पीछे चले गए। इंद्र भी भाग गए। अब आगे ऋषि मुनियों को कर दिया, हे ऋषि मुनि साधु, आप लोग कुछ करिए, आप गाइए, आप कुछ बोलिए, क्योंकि भगवान तो ऋषियों के लिए कृष्ण भगवान बनकर के आए। जितने ऋषि मुनि दंडकारण्य में भगवान राम का आलिंगन करना चाहते थे, उन सब ऋषि मुनियों को भगवान ने कहा, देखो मैं राम रूप में किसी को अपने गले नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि मैंने पतिव्रत धारण किया है, पत्नी व्रत धारण किया, एक ही पत्नी रखूंगा। आपको अगर मेरे गले लगना है तो मेरे कृष्ण रूप में आइएगा गोपी बनकर, तब मैं आपको गले लगाऊं। तो जितनी गोपियां थी ये सारी रामचंद्र जी के समय की दंडकारण्य वन की ऋषि मुनि थे। उन्होंने कहा, आपका तो पुराना संबंध है, गोपी बन के आए थे आप ऋषि, आप प्रार्थना करिए। तो यहाँ पर ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं, श्री ऋषि उवाच। ऋषि उच्च हो, ऋषियों ने कहा, ऋषि बोलते हैं, त्वं नस्तपः परमात्मतः यदात्मतेजो
येनिदं आदि पुरुषम आत्मगतम ससकर्तः ततहा विप्रलुप्ताम अमुना अधा शरणापालः रक्षा गृहीतवा पपुषु पुनर अन्वमस्तः। ऋषियों ने प्रार्थना करी। ऋषि कहते हैं, सारे उपस्थित ऋषि बोलने लगे, हे प्रभु, आप तो शरणपाल हैं, शरणागतों के पालक हैं, हम सब आपकी शरण में आए हैं। वह आपकी आध्यात्मिक शक्ति ही है जो हमको शक्ति देती है। जब हम आपका भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, हमें आपकी शक्ति प्राप्त होती है। यानी कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, भगवान की शक्ति को प्राप्त करता है। लोग बोलते हैं, भक्तों के पास इतनी शक्ति कैसे आती है? अरे प्रभु जी, आपने बोल दिया, हमारा काम हो गया। अरे महाराज जी, आपने आशीर्वाद दिया, हमारा काम। ये शक्ति कहाँ से आती है? कोई जादूगर नहीं है। भगवान के नाम जप में शक्ति, जो जो भगवान के नाम जपते हैं उनमें कृष्ण शक्ति उजागर होती है। हर व्यक्ति को कृष्ण की शक्ति मिल जाती है। भगवान ने कहा, मैंने अपने नाम में अपनी शक्ति डाली है। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति ही। मैंने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में डाली है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्प्रार्पियते निर्मते स्मरणे न काला। इसमें इसको जपने का कोई न काल है न कोई समय है। किसी भी समय उठाओ माला और बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके तपस्या करके, आपकी कृपा से ही तो जगत का सृजन होता है। यह तपस्याएं आप में सुप्त रहती हैं और आपके हृदय से जब तपस्या प्रकट होती है, वो तपस्या हमारे हृदय में आती है, तब लोग कहते हैं, ऋषि देखो कितने तपस्वी हैं। अगर आपका बल न मिले तो हम रंच मात्र भी तपस्या करने योग्य नहीं है। इस दैत्य ने देखो कितनी तपस्या करी, हजारों वर्षों तक एक अंगूठे पर खड़ा रहा, लेकिन आपने ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसा होता तो क्या ये असुर बढ़ता? पहले आप बढ़ाते हैं और फिर जब व्यक्ति बढ़ता है तो उसमें अहंकार प्रकट होता, और फिर जब अहंकार बढ़ता है तब आप उसको स्विच बो करके उसके अहंकार को नष्ट करके वापस गिराते, ताकि संसार को शिक्षा मिले। तपस्या कितनी कर लो, कितने व्रत कर लो, कितनी दुर्गा पूजा, कितने पंडाल लगा लो, कृष्ण चाहे तो तरंच मात्र भी बल नहीं मिलता है ना। ऐसा नहीं है कि दुर्गा माई ऐसी बात करती है, ऐसा नहीं है कि शिवजी ऐसी बातें करते हैं। शिवजी जानते हैं ये बल कृष्ण का है, दुर्गा माई जानती है बल कृष्ण का है, परंतु उनकी पूजा करने वाले भूल जाते हैं। जैसे उदाहरण, कभी कोई व्यक्ति दान मांगने के लिए किसी के कंपनी में जाए, हम लोग प्राय जाते हैं किसी से दान लेने मंदिर का, तो उस मंदिर में उस आदमी का सेक्रेटरी बाहर बैठा होता है, कहता है मालिक तो बिजी है, मैं पूछकर बताता हूँ। वो अंदर जाते कहते हैं, प्रभु जी आए, कुछ दान दे सकते हैं मंदिर के लिए? कहा दे सकते हैं, चलो एक काम करो, 51,000 रुपये दान दे दो। वो आता है, दान दे देता है, चेक बनाता है। अब हमने तो मालिक को देखा भी नहीं, हमारे लिए तो वो जो सेक्रेटरी था उसी ने दान दिया, हम उसी को प्रसाद देंगे, उसी को मिलेंगे, उसी से वापिस आ जाए। अब दूसरी बार गए, दूसरे साल फिर मालिक नहीं दिखा, फिर चेक मिल गया। तीसरे साल फिर गए, दीजिए नरसिंह चतुर्दशी का दान दीजिए, फिर तीसरे साल उसने दे दिया। तीसरे चौथे चाल में जाकर के हम भूल ही जाएंगे कि मालिक भी कुछ है, हमें लगेगा यही सेक्रेटरी तो देता, यही तो मालिक। लेकिन हर बार हम भूल गए, सेक्रेटरी चेक बनाता है, बाउचर बनाता है, रसीद बनाता है, पर साइन कराने कमरे के अंदर जाता था, साइन करा के आता था, तब चेक मिलता था। हम भूल गए कि ओरिजिनल ओनर के साइन होते हैं। इसी प्रकार देवी देवता खड़े होते हैं, हम उनसे मांगते हैं, हमें ये दे दो, वो दे दो, वो जाते हैं कृष्ण अप्रूवल पर साइन करते हैं, फिर वो आते हैं हमको देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कृष्ण के अप्रूवल के बिना कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ नहीं। हम नहीं जानते, पर इंद्र जानते हैं, ब्रह्मा जानते हैं, शिव जानते, इसकी स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं हम लोगों की रक्षा करने के लिए आपने आज नरसिंह रूप लिया है। इस असुर को मारने की तपस्या की विधि का फिर से अनुमोदन हो गया है कि ये तपस्या का बल आप ही से मिलता है, आप न चाहे तो तपस्या धरी की धरी रह गई। जैसे केले खाने के बाद केले के छिलके को फेंक दिया जाता है, ऐसे आपने इसके अहंकार को खाके इसके शरीर को छिलके के समान फेंक के किनारे फेंक दिया, कहां गया इसका छिलके, रूप फेंक दिया उठाकर। कुछ नहीं शक्ति, कोई सिक्योरिटी अलार्म काम नहीं करता, कोई हेल्थ इंश्योरेंस काम नहीं आती,
कोई परिवार काम नहीं आता कि मेरे को हॉस्पिटल ले जाएंगे। आप ना चाहें तो कुछ नहीं मिलता, छिलके के सामान उठाकर फेंक दो तो पड़ा रहता है, सड़ता गलता रहता है आदमी, कुछ नहीं मिलता। लेकिन अहंकार में उसको लगता है मैं, केले के छिलके के अंदर जब तक केला रहता है उसको लगता है मैं कुछ हूं, लेकिन जब केला खा लो तो छिलका फेंक दिया जाता है। ऐसे अहंकार को भगवान खा ले। लोग पूछते भगवान का सबसे प्यारा भोजन क्या है, तो तत्व रूप में अगर देखें तो भगवान का सबसे प्यारा भोजन अहंकार है। अहंकार को खाते भगवान को भूख लगती है तो आदमी के अहंकार को खाते। और रस में देखा जाए कि क्या खाते हैं, तो रस रूप में भगवान अपने अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं ना। जैसे अगर भगवान नरसिंह रूप में आएंगे तो भगवान का अद्भुत भोजन पणक्कम, आज के दिन भगवान गुड़ का पानी वो प्रदान प्राप्त करते हैं, पणक्कम पीएंगे भगवान, है ना। इसी प्रकार कृष्ण रूप में आएंगे तो मक्खन मिश्री स्पेशल भोग लगाया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार सभी ऋषियों ने प्रार्थना करी। भगवान जो है क्रोध में, अभी भी क्रोध अग्नि में जल रहे थे, पूरा उग्र रूप में थे, कोई शांत नहीं करा पाया। फिर पितृ जो थे, पितृगण जो पितृ लोक में आपके द्वारा किए गए श्राद्ध के भोग को आपके पितरों तक पहुंचाते हैं, तो सभी पितृ राजा अयरमा पितृ आदि इकट्ठे होकर के नरसिंह की प्रार्थना कर रहे हैं। कई बार लोग सोचते हैं अरे पितृ पूजा नहीं करी, दोष हो गया पितृ दोष हो गया, पितृ पूजा नहीं करी। पितृ पूजा का दोष भी उसी को लगेगा जो नरसिंह पूजा नहीं करेगा, कृष्ण पूजा नहीं करेगा। जो कृष्ण पूजा करते हैं उनसे अगर कोई त्रुटि भी हो जाए उन्हें पितृ दोष नहीं लगता। भागवत में 11वें स्कंद में श्लोक आता है जिसमें कहा गया है कि हे परीक्षित, इस संसार में ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, माता का ऋण, पिता का ऋण, ऋषि का ऋण, राजा का नृप्र ऋण, राजा का ऋण, कोई भी ऋण बाकी नहीं रहता अगर मुकुंद की शरण में कोई चला जाए। केवल मुकुंद की शरण में जाने से सभी ऋण समाप्त हो जाते हैं। गतो मुकुंदम परिहत कर्तम, मुकुंद एक की शरण में जाने से सारे ऋणों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। गतो मुकुंदम परिहत कर्तम, भगवान कहते हैं यम शरणम व्रज, भगवान के शरण में जाने मात्र सब कुछ छोड़ दो। नायम ऋणी च राजनः, हे राजन कोई ऋण बाकी नहीं है। नायम ऋणी च राजनः गतो मुकुंदम परिहत कर्तम, खाली मुकुंद की शरण में जाने से सभी कर्म पूर्ण हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पिता को सेवा ना करें, माँ की सेवा ना करें, करें लेकिन अगर कोई त्रुटि रह गई, कुछ नहीं कर पाए, तो अगर आपने भगवान की सेवा की है सभी ऋणों से आप मुक्त हो गए, सब ऋण से। कहते हैं माता पिता का ऋण 100 जन्मों में भी चुकाया नहीं जा सकता, गुरु का ऋण 100 जन्मों में भी चुकाया नहीं जा सकता। कोई सोचे मैंने माँ का ऋण चुका दिया, पिता का ऋण उनको ओल्ड एज होम में भेज के चुका दिया, या घर में सोफा सेट गाड़ी दे दी, उनके आंख का कैटरेक्ट ऑपरेशन करा दिया, तो मैंने अपने पिता के ऋण से मुक्त हो गया। आप माता पिता के परवरिश करके आपको पाल पोस के 25 साल का करने का जो ऋण है ना, 100 जन्मों में भी नहीं चुका सकते, 100 जन्मों में। और गुरु का ऋण तो 100 जन्म तो क्या, कितने करोड़ों जन्मों में भी गुरु ऋण नहीं चुकता, जो आपको ज्ञान देता आध्यात्मिक ज्ञान, उसका ऋण तो कभी नहीं चुका सकता। इसलिए त्रुटि रह जाती है और ऋण चुकाने के लिए पुनः संसार में आना पड़ता है। इसी कारण अगर कोई कृष्ण भजन करे तो उसका जो ऋण होगा उससे भगवान उसको मुक्त कर दे, लोन से मुक्त कर देते हैं, EMI से मुक्त कर देते हैं। गतो मुकुंदम परिहत कर्तम, केवल कृष्ण की शरण में जाने से सभी ऋणों से मुक्ति हो जाती है। पितृ उवाच, पितृ कहने लगे आप जानते हैं प्रभु इतना दुराचारी हो गया था हिरण्यकश्यप, हम पितरों को जो श्राद्ध का भोजन आता है ना वो भी छीन लेता था, इसके असुर आकर के हमारे हाथ से पितृ भोजन छीन कर ले जाते। हम जब से ये हिरण्यकश्यप बड़ा हुआ ना तब से हम भूखे हैं, हमने खाया नहीं है, हमको भोजन नहीं मिला, आपके कारण पुनः पितृलोक में भोजन आएगा, हम फिर से पेट भरकर खाना खाएंगे, श्राद्ध पक्ष में हमारे पुत्र परिजन हमें भोजन देंगे, ये पितृ। अब लोग बोलते हैं ऐसा ऐसा कुछ होता नहीं है, सब झूठ है, पढ़ लो जाकर के श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 44 पढ़ो, पितृ क्या कहते हैं। जो हमारे श्राद्ध के अवसर पर हमारे पुत्र पौत्रों द्वारा अर्पित सारा खाना छीन कर खा जाता था, तीर्थ स्थलों पे जो हमें हमारे पुत्र परिजन जाकर के हमारे लिए दान धर्म करते हैं ना, पितरों के लिए दान दिया जाता है, पिंड दान आदि,
उसको भी छीन लेता था, ये इतना दुराचारी था। प्रभु आपने हमें इसको अपने नाखूनों से मार करके हमें हमारा वापस पित्र भोजन पिंड दान आदि प्रदान किया है, हम आपको इसके लिए सादर प्रणाम करते। इस प्रकार सिद्ध आदि लोगों ने भी प्रणाम किया और कहा, सिद्ध लोक के वासियों ने, अब हम अपनी सिद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी सिद्धियां छीन ली थी इसने हमसे, हमारी आड़िमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, कई प्रकार की सिद्धियां होती हैं जिनसे आदमी छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। एक बार एक आदमी ने ऐसी सिद्धि प्राप्त करी थी कि उसका हाथ बढ़ जाता था, लंबा हो जाता था। शिष्य कहीं भी बैठे हो जाकर के आशीर्वाद दे सकता था, तो शिष्यों को उठ करके गुरु जी के पास आशीर्वाद लेने जाना पड़ता था, उसका आशीर्वाद हाथ जाता था आशीर्वाद, तो लोग बड़ा जय जयकार करते थे, गुरु जी की जय हो, गुरु जी की जय हो, बड़ा अद्भुत उसका ये देखने के लिए लोग आते थे। एक दिन उसने क्या किया, अपना हाथ बढ़ाकर इंडियन ओवरसीज बैंक से पैसा निकाल लिया। अब हाथ तो कहीं भी जा सकता है ना, उसका हाथ चला। इस सिद्धि बाबा ने अपने सिद्धि का दुरुपयोग किया। तो ये सिद्धि कहां से आती है, सिद्ध लोक में एक लोक है जिसका नाम है सिद्ध लोक। वहां सिद्ध लोक से अष्टांग सिद्धि, जितनी भी अष्टांग योग आदि सिद्धियां हैं, ये तपोबल प्रदान करने की शक्ति सिद्धों में है। तो सिद्ध लोक के निवासी कह रहे हैं कि हे भगवान नरसिंह, हम लोग सिद्ध लोक के निवासी हैं, होने के कारण अष्टांग योग की सिद्धियां प्रदान करते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप इतना धूर्त था, किसने अपने बल से हमारी तपस्याएं, हमारी सिद्धियां भी छीन ली थी, सारी सिद्धियां छीन ली थी। इस तरह हम अपने योग बल के प्रति घमंडी हो गए थे, लगता है शायद इसीलिए आपने ये लीला करी कि आपने जय को हिरण्यकश्यप बनाया और हिरण्यकश्यप के माध्यम से हमारी शक्तियां छीन ली, हमारी सिद्धियां छीन। इससे हमें पता चलता है कितनी भी सिद्धि हो, भगवान के भक्त ना हो तो एक दिन सारी सिद्धियां यही की धरी रह जाए, सब छीन लेते हैं भगवान। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने कहा, प्रभुपाद जी हम एक सिद्ध आदमी से मिलकर आए हैं, सिर पर हाथ रखता है तो करंट लगता है, आपके पास क्या ऐसी सिद्धि है? प्रभुपाद जी ने कहा हाँ है। अपने भक्त को कहा जाओ एक तार लेकर आओ, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों स्विच बोर्ड में लगा दो और उसका एक सिरा मेरे हाथ में दे दो। दिया, भक्त को पास बुलाया, उसके सिर पे छुलाया। अभी ये घर के अंदर तो ज्यादा वोल्टेज होता नहीं है, उसको वोल्टेज लगा, कहा करंट लगा, कहा ये क्या था स्वामी जी, कहा करंट लगा कहा, कहा जो काम 5 रुपए का तार कर सकता है उसके लिए मैं अपना जीवन खराब कर दूं, करंट लगाने के लिए मैं अपना जीवन खराब कर दूं। ये सब करंट लगाना, पानी पे चलना, पानी पे चलेंगे हट योगी, ये सब बेकार है, इसका कोई फल नहीं है। अपना जीवन को भगवान की सेवा में लगाओ ताकि पुनरअपि जननम, पुनरअपि मरणम, पुनरअपि जठरे जठरे शरणम, वापिस माँ के गर्भ में संसार में ना आना पड़े, ऐसा प्रयास करो। और अगर आना भी पड़े तो भक्त घर दियो जन्म ऐ मोर आश, भक्त के घर में जन्म मिल जाए, ताकि ये ना बोलना पड़े हमारे ये मंदिर नहीं जाने देते, हमारे ये हमें माला नहीं करने देते, हमारे ये हमको प्रसाद नहीं खाने देते। लोग बोलते रहते हैं हमारे माता पिता, हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे ये हमारे वो, हमारे ये हमारे वो। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए भक्त जन्म दियो एही मोर आशा, भक्त के घर में जन्म मिल जाए ये आशा होनी चाहिए। अगर भक्त के घर में पच्चा ना बना सको तो भक्ति गुरु ठाकुर कहते हैं कीट जन्म दे मोए एही आशा, कीड़े का जन्म दे दो लेकिन भक्त के घर में होना चाहिए। क्यों? भक्त के घर में नाली में भी जो मिलेगा ना वो बच्चों के द्वारा भक्त के प्रसाद छोड़ा जाएगा, वो प्रसाद खा के कीड़ा बन के खुश हो, लेकिन मुझे धनी परिवार में, शराबी परिवार में, मांसाहारी परिवार में जन्म मत देना पड़े। पहले तो देना ही मत, अगर दो तो भक्त के घर में देना, मनुष्य का ना मिले तो कीड़े का देना, पर भक्त के घर में देना ताकि भजन की ध्वनि सुनाई दे, नाली में मिले तो प्रसाद मिले, हर वक्त भगवान आपके भजन का मैं रस स्वादन कर सकूं। इस तरह सिद्ध लोगों ने भी प्रार्थना करी। विद्याधर एक लोक है, या विद्याधर जो लोग विद्या प्रदान करते हैं, शक्तियां प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं, उन्होंने कहा हमारी सारा बल, हमारा ज्ञान छीन लिया था इसने, इतना दुराचारी था ये हिरण्यकश्यप, हम कुछ बोलने लायक नहीं रहते, हमारे से स्तुति मंत्र भूल गए थे, अरे छोड़ो ब्रह्म गायत्री बोलना भूल गए थे, हम सब भूल गए थे, हमारा सब कुछ छीन लिया था, लेकिन आपने आज इसको मार करके हमें पुनः हमारे ज्ञान में हमें बलशाली बना दिया,
हम फिर से अब मंत्र बोल पाएंगे, पूजा कर पाएंगे, विद्या प्रदान करेंगे, विद्याधर, हम विद्याधर बन गए दोबारा। इस प्रकार उन्होंने कहा आपने हमें शारीरिक शक्तियां प्रदान करी है। हमारे लगता है हमारे ज्ञान में हम घमंड आ गया था, क्योंकि उस घमंड से हमें लगता था अरे भगवान क्या है, हम ही तो हैं विद्याधर, विद्या को धारण करते हैं। ऐसे ही संसार में कोई डिग्री ले ले, MD, MS, MTech, BTech, फिर उसको बोलो आओ हरे कृष्णा करो, हाँ हम हैं विद्याधर, हमने विद्या धरी हुई है, विद्याधर। तो भगवान ना हो तो हिरण्यकश्यप जैसे असुर विद्याधरों की विद्या छीन लेते हैं। और ऐसे ही आज अनेकों हिरण्यकश्यप हैं जो लोगों को कहते हैं हम तुम्हें 15 लाख के पैकेज में रखते हैं, 15 लाख रुपए महीना, और विद्याधर की विद्या छीन लेते हैं और उसे नौकर बना देते हैं। विद्याधर बता, बड़ा भारी विद्याधर बना था, डिग्री लेकर आया था, आज मालिक के कहने पर रात रात काम करता है, नौकर बना हुआ है, भूल गया है तो विद्याधर है, तेरी विद्या है, उस विद्या को नौकरी नौकरी कर करके नौकर की तरह निकालता। पहले जमाने में लोग होते थे जो क्या खाते थे वो करते थे उस समय नौकरी, नौकरी यानी कि धन आता था उससे 9 लोग घर के खाते थे, ज्वाइंट फैमिली होती थी, 9 लोग खाते थे, एक कमाता था, बाकी लोग तो कम से कम भजन करते थे। वो जाते थे हमारे दादाजी घरों में नौकरी करने, बाहर गए, शहर गए, बाकी लोग गांव में रहते थे, एक नौकरी करने जाता था, 9 खाते। फिर कुछ समय बाद डिवीजन हो गए परिवारों में, अहंकार बढ़ गया, फिर हो गई चाकरी, एक आदमी काम पे जाता था, 4 लोग खाने लगे, मियाँ बीवी बच्चे बस, है ना, MBBS, मियाँ बीवी बच्चे समेत MBBS बस, हम बस 4, हम ही खाएंगे। फिर थोड़े दिनों बाद घट गया और अभी हो गया है आदमी, क्या करते हो, अरे वेतन के लिए काम करते हैं, वेतन, तन के लिए भी खाना नहीं बचा है ना, तन के लिए भी नहीं बचा। कुछ लोग खाते हैं तन खा, तन के लिए ही बस कमा पाते हैं, ना बच्चे को दे पाते हैं, ना बीवी को दे पाते हैं। गांव से फोन आता है, अरे क्या करे, इतना खर्चा है, पेट्रोल इतना महंगा है, तन खा, बस तन के लिए खाते। और कुछ लोग बेतन, तन के लिए भी नहीं है, लोन पर जीवन जी रहे, बैंक से ले रखा है, दोस्तों से ले रखा है, बेतन। बोले किस पे रह रहे हो, बोले बेतन पे रहते, बेतन। पहले थी नौकरी, फिर थी चाकरी, फिर थी तनखा, अब ये बेतन, बेतन पे रहते, दूसरों के धन पर जीवन गुजर। और है कौन, विद्याधराणाम, विद्याधर है, बड़ी विद्या लेकर आए थे साहब। जितना ज्यादा विद्याधर होता है उतना ज्यादा लोन ले लेता है, 1000 करोड़ का लोन, 100 करोड़ का लोन, 50 करोड़ का लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, लोन ही लोन ले रखे हैं, लोन चुका रहे। विद्याधर किस बात के हो, आपका नाम होना चाहिए लोन धर, लोन धरे हुए आपने, लोन धर, एजुकेशन लोन, विद्याधर नहीं लोन धर, ब्याज धर इसको बोलना चाहिए, विद्याधर। विद्याधर कहते हैं आपने हमारी ज्ञान छीन लिया था, लेकिन प्रभु आपके आ जाने से पशु असुर मारा गया और हम वापस अपने ज्ञान को प्राप्त कर पाए। आपकी इस अद्भुत लीला को, नरसिंह लीला को हमारा दंडवत प्रणाम। श्री नाग उचह, अब नाग आ गए निकल करके, सांप होते हैं ना, लोग सांप को दूध पिलाते हैं और सोचते बड़ा भारी पूजा कर रहे हैं, सांप को दूध पिला रहे, ये बिल्कुल गलत है। जितने भी लोग श्रवण कर रहे हैं उनको नाग पंचमी छोड़ देना चाहिए, ये कोई व्रत नहीं है। नाग पंचमी, नाग पंचमी को नाग जो होते हैं वो क्या करते हैं, नागों को दूध पिलाते हैं लोग। इतने सपेरे पकड़े जा रहे हैं ना भारत में, इतने सपेरों को पकड़ा जाता हर साल। ऐसे यूट्यूब चैनल है कई सारे जो सांपों के हितैषी हैं, वो जा जा करके सांपों को रिहा कराते हैं सपेरों से। सपेरे क्या करते हैं, काम धंधा करना नहीं है, सांपों को पकड़ते हैं, उनके दंत तोड़ देते हैं। और हमारे जैसे जो अज्ञानी लोग हैं ना, उन लोगों को कहते हैं नाग पंचमी में नाग को दूध पिलाया जाता है। जबकि साइंस वाला व्यक्ति हो या शास्त्र वाला व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो सकते, भौतिक ज्ञानी, आध्यात्मिक ज्ञानी। भौतिक ज्ञानी जानता है नाग दूध नहीं पीते, और आध्यात्मिक ज्ञानी जानता है कि नाग को पूजा करने का क्या फायदा, भगवान की पूजा करो। और भौतिक ज्ञानी जानता है, साइंस कहती है सांप को जब आप दूध पिलाते हैं तो उसका जहर बढ़ता है, जितना जितना दूध पिलाएंगे उतना उतना उसके शरीर में जहर, अपना ही जहर इतना बढ़ जाएगा, दूसरा तो छोड़ो अपने जहर से मर जाए, अपने ही जहर से मर जाए। और हर साल नाग पंचमी के 3 महीने के अंदर अंदर
जितने सपेरे सांपों को दूध पिलाते हैं सारे सांप जहर के कारण मर जाते, सारे सांप मर जाते हैं, हर सांप। और चाणक्य पंडित ने इस बात को बोला, पयोपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, अगर सांप को दूध पिलाओगे, पयोपानम भुजंगा, भुजंग यानी सांप, पयो यानी दूध, पयोपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, केवल विष का वर्धन होता है। चाणक्य पंडित ने बोला, शास्त्र में भी लिखा है और साइंस भी कह रही है, फिर भी लोग दूध का कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं नाग पंचमी। वो एक्चुअली नाग पंचमी नहीं है, अंग्रेजी वाला पंच, पंच होता है ना पंच, घुसा मारना, नाग पंचमी, नाग को पंच मारा उसका जीवन खत्म, नाग पंच। तो ये सारे नाग भी निकल आए, बड़े बड़े शेष नाग वासुकी ये निकल करके कह रहे हैं, हमारे सिरों में से मणि छीन ली थी इस हिरण्यकश्यप ने, हमारे सिरों में से मणि छीन ली थी, हम मणिधर थे, मणिवान थे, लेकिन हमारी मणि छीन करके हमें एक छोटा सांप बना दिया था, केचुए जैसा, सिर्फ जमीन पर रेंगने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन आज आपने इसके वक्ष तल को अपने नाखूनों से विदीर्ण करके हमें पुनः हमारी मणियां प्रदान कर दी। हमारी पत्नियां बड़ी प्रसन्न है, नाग पत्नियां, कि प्रभु एक बार आपने कालिया नाग का मंथन करके हमने मुक्त किया, और आपने हमें मुक्त किया है आज भी हिरण्यकश्यप के इस प्रहार से, तो आप नागों के हितैषी हैं, प्रभु आपको हमारा प्रणाम है। आपने अत्यंत पापी हिरण्यकश्यप से इन सबके फणों की मणियां तथा सुंदर पत्नियां छीन लेने, इसने छीन ली थी हमारी पत्नियों को, नाग पत्नियों को भी छीन लाया था। हमारी पत्नियां बड़ी प्रसन्न है, हमें हमारी मणि मिल गई, हमारी पत्नी मिल गई, हमारा घर सेटल हो गया। थैंक यू नरसिंगा फॉर रीसेटलिंग अवर होम, आपने हमारा घर रीसेटल, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करके सारे सांपों ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया, अपने अपने फन उठा करके बोले, नाउ वी विल हैव फन, और बस फिर चले गए वापस अपने फन लेकर, फन करने चले। इसके बाद मानव, मानवों के अग्रगणी हम सब आए हैं मनु महाराज से। इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ मनु और शत्रुपा से, ब्रह्मा जी के पहले पुत्र मनु और शत्रुपा, जिनसे मनु से मनुष्य या मानव प्रकट हुए। बाइबल कहती है एडम एंड ईव, बाइबल कहती है आदम और हवा, और शास्त्र कहते हैं मनु और शत्रुपा। ये मनु ने मनुस्मृति नामक ग्रंथ लिखा, मनु संहिता, मनुस्मृति, ताकि मनुष्य अपना जीवन कैसे चलाए। ये सारे के सारे मनु जितने थे ये बोल रहे हैं, श्री मनु उवाच, मनु चुहू, हमने कई सारे रूल रेगुलेशन बनाए हैं, वर्ण आश्रम बनाए हैं, ताकि आपकी सेवा हो सके, आपका भजन हो सके। और इस प्रकार से हमने आपकी आज्ञाओं के पालन किए हैं, आज्ञा पालक के रूप में मानव समाज के लिए आपने कई विधियां प्रदान कर दी हैं, किंतु इस महान असुर हिरण्यकश्यप ने क्षणभंगुर के कारण हमारे वर्ण आश्रम प्रणाली का बहिष्कार कर दिया था, उसे नष्ट कर दिया था, लेकिन प्रभु आपने इस हिरण्यकश्यप को मार के हमारे वर्ण आश्रम श्रृंखला, मानव जाति मनुष्यों को पुनः आश्रम श्रृंखला, कैसे आश्रम में रहना चाहिए, ऐसे ही शिला प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में जो वर्ण शंकर हो गया था, वर्ण आश्रम भूल गए थे, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी ग्रस्त सन्यासी वानप्रस्थ सब भूल गए थे, संसार के लोग हिरण्यकश्यप बढ़ गए थे, लेकिन प्रभुपाद ने आकर के पुनः वर्ण आश्रम को स्थापना करी, कि ग्रस्त को कैसा होना चाहिए, ब्रह्मचारी को कैसा होना चाहिए, वानप्रस्थी को कैसा होना चाहिए, सन्यासी को कैसा होना चाहिए, कि प्रभु यही आज बोल रहे हैं मनु, कि आपने हमारे मानवों के लिए पुनः वर्ण आश्रम की स्थापना कर दी है, इस हिरण्यकश्यप ने सब नष्ट कर दिया। प्रजापते उचहो, प्रजापति जिनसे सृष्टि में प्रजनन होता है, दक्ष प्रजापति आदि, जो कि दक्ष सती माता के पिता है, प्रजापति आदियों ने आकर के भगवान से प्रार्थना कर, हमने अच्छी प्रजाति उत्पन्न करनी बंद कर दी थी, सिर्फ असुर कुल का साम्राज्य बढ़ रहा था, अच्छे लोगों की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, वर्ण शंकर आ गया था, कोई किसी से शादी कर रहा है, कोई किसी से कर रहा है, ब्राह्मण ने इससे प्यार किया, मैंने प्यार तुझी से किया है, कोई किसी से कर रहा है, कोई किसी से कर रहा है, कोई किसी का संग, कोई किसी का संग, बच्चे अनाथ आश्रम में जा रहे हैं, ऐसे ही मतलब हाहाकार मच रहा है संसार में, वर्ण शंकर हो गया था। तो ऐसा आज कलयुग में नहीं, तब भी हो गया था। हिरण्यकश्यप बढ़ेंगे
तो वर्ण संकर बढ़ेगा, जाति भूल जाएंगे लोग, अपनी इंद्र तृप्ति में इतने लिप्त होंगे सब भूल जाएंगे किससे शादी करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, बस खाओ पियो ऐश करो मित्रों, ऐसी वैसी बातों पे ना जाओ, ऐसे गाएंगे मत करो, बस खाओ पियो ऐश करो, जो मन आए वो करो, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा, मजे लो, मजे करो, मजे करो। लेकिन प्रभु हरि, आपने नरहरि रूप लेकर के पुनः हमको अच्छी संतानें उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान करी, अब हम प्रजनन करेंगे तो अच्छे कुलों की वृद्धि कराएंगे। गंधर्व उच्च हो, गंधर्वों ने कहा हमारा नाच गाना बंद हो गया था, हमारा नाच गाना बंद हो गया था प्रभु, हम नाचते थे तो आप प्रसन्न होते थे, देवता प्रसन्न होते थे। गंधर्व एक लोक है जहाँ के गायन बड़ा मशहूर है, इसीलिए किसी किसी व्यक्ति को टाइटल दिया जाता है, आप कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, ऐसा लगता है आप गंधर्व लोक से आए हैं। तो गंधर्व एक लोक है जहाँ पर के जो देवता है वो अन्य देवताओं को गाना बजाना सिखाते, ट्रेनिंग देते हैं, म्यूजिक टीचर है पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के, पूरे यूनिवर्स के, उस लोक को कहते गंधर्व लोक। तो गंधर्वों ने प्रार्थना करी कि प्रभु हमारा तो गाना बजाना बंद हो गया था, हमारे हारमोनियम मृदंगा तबले तोड़ दिए थे इसने, कहता था अगर गाओगे तो मेरे कहने पर, मैं जो कहूंगा तब नाचोगे, हिरण्यकश्यप की जय, हिरण्यकश्यप की जय, हिरण्यकश्यप की जय, हमसे नचवाता था, नाचो हिरण्यकश्यप की जय पर, तुम लोग नाचते हो हरि बोल हरि बोल, अरे हरि कौन है, मैं ही हूँ, बोलो हिरण्यकश्यप बोल, हिरण्यकश्यप बोल, नचवाता था। तो इस प्रकार से कई, एक बार एक छोटी सी बात मुझे याद आई, एक बार तीन चोर थे, वो चोर जंगल से गुजर रहे थे, तो वहां पर एक डाकू रहता था, उस डाकू के इलाके से जो गुजरता था, डाकू नाचने गाने का बड़ा शौकीन था, उसको नाच गाना अच्छा लगता, उसके डाकू के बाकी लोग गाया करते थे और डाकू जो भी आने जाने वाले लोग थे उन्हें नचाया करता था कि नाचो नाचो, तो पूरी पूरी ही रात नचवाता था। एक बार तीन चोर पकड़े गए और वो नाचते रहे, इतने में पुलिस आ गई और पुलिस ने देखा कि वो नाच रहे हैं, तो पुलिस ने पूछा कि तुम लोग तो नाचते हो, हम तो सोचते थे केवल चोर हो, तुमने ये नाचना कैसे सीखा। तो चोरों ने कहा हम नाच नहीं रहे थे, ये जो डाकू है ना मार मार हमको नचावत है, ये डंडे दिखा दिखा के बोल रहा था नाचोगे नहीं तो पैर तोड़ दूंगा, नाचोगे नहीं तो सिर फोड़ दूंगा, पूरी रात इसने मार मार हमको नचावत है, पूरी रात मारा के मार मार के नचवाया है। ऐसे गंधर्व लोग के लोग बोल रहे थे हम नाचना नहीं चाहते थे प्रभु, लेकिन हमारे पैर इसके गाने पे नाचते थे, इसके कहने पर हमारे ढोल मृदंगा नाचते थे, हमारा बुरा हाल किया था, हरि आपने हमें पुनः इस नरसिंह रूप से हमारे आपके प्रति जो प्रेम है उसको व्यक्त करने के लिए, नाचने के लिए मुक्त किया है। चारण, एक लोक है चारण, चारण लोक के लोगों ने कहा हमने दोगला जीवन जीना शुरू कर दिया था, मन में से तो उसको पसंद नहीं करते थे लेकिन ऊपर से उसकी जय जयकार करनी पड़ती थी। चारण एक लोक है जहाँ के लोग जय जयकार करते हैं, हुटिंग करते हैं ना, हुटिंग, तो भगवान जब भी कुछ करते हैं तो आवाज आती है हरि वो, मन में अपने हृदय से आवाज आती, तो होते हैं ना कौन से क्रिकेट मैच में क्या बोलते हैं वो, क्या नाच गाना करते हैं लोग, हुटर्स हुटर्स होते उठते हैं, डांसिंग करते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान जब कोई लीला करते हैं, अगासुर का वध बकासुर का वध, तो ऊपर से पुष्प वृष्टि देवता करते हैं और चारण लोग हरि बोल करते हरि बोल, लेकिन हमारा हरि बोल बंद हो गया था, हम लोग बड़े रोते थे, हरि बोल तो करना पड़ता था, हिरण्यकश्यप बोल करना पड़ता था, लेकिन दोगला जीवन था, मन से न चाह कर भी करना पड़ता, यानी कि चारण लोग शिक्षा दे रहे हैं भक्त के जीवन में नकली नहीं होना चाहिए, जो कुछ हो एक मत होना चाहिए, दो मत नहीं होना चाहिए, कि मन तो नहीं है लेकिन फिर भी जय जयकार कर रहे माया की संसार, हरि बोल, तो सच्चा हृदय से हरि बोल होना चाहिए। यक्ष उवाच, यक्षों ने प्रार्थना की कि हे हरि हम बड़े प्रसन्न हैं कि अब हम अपनी जगह पर स्थान पर रह सकते हैं, हम आपको भाने वाली सेवाएं करने के कारण आपके सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, लेकिन इस दिति पुत्र दैत्य पुत्र हिरण्यकश्यप ने हमें आदेश से पालकी ढोने का काम करवाया, हमसे अपनी पालकी उठवाता था, चलो इधर
इतने बड़े यक्ष होकर के हम यक्षपाल की वाहक बन गए थे, लेकिन इस असुर ने बहुत कष्ट पहुंचाया। हमारे कंधों पर देखो निशान पड़ गए हैं, इसकी पालकियां उठा उठा करके निशान पड़ गए, इसके नौकर बन गए थे, लेकिन आज आपने इसका वध कर पंच तत्व में इसके शरीर को विलीन कर दिया। पंच तत्व से बना शरीरा, पंच तत्व में मिला शरीरा, पंच तत्व में पुनः इसका शरीर विलीन हो गया। किम पुरुष, एक जगह का लोक उसका नाम है किम पुरुष लोक। किम पुरुष वहां पे एक दूसरे को पूछते रहते हैं, आप कौन से लोक से हैं, आप किम पुरुष हो, देखने में पुरुष है लेकिन पुरुष लगते नहीं, किम पुरुष हो। तो हनुमान जी किम पुरुष लोक जैसे लोक में रहते हैं, जहां पर पूछा जाता है आप पुरुष हो या बंदर हो, किम पुरुष हो। बड़े ही हम ऐसे हो गए थे प्रभु कि हम समुचित रूप से बड़े ही संकुचित हो गए थे, शुद्ध जीवन जी रहे थे, लेकिन आपने हमको मुक्त किया। बेताल होते हैं ना भूत प्रेत, लोग बोलते हैं भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती, और भूत प्रेत कहते हैं मनुष्य नाम की कोई चीज नहीं होती। भूत मनुष्यों से डरते हैं और मनुष्य भूतों से डरते हैं। अगर कोई मरकर भूत बन जाए तो भूत कहते हैं अरे नया नया भूत है, तुझे पता है भूत कौन होते हैं। ऐसे बेताल भूत की बेतालिका विक्रम बेताल कथाएं आती हैं। तो विक्रम बेताल का जो बेताल है, उन बेतालों ने भी प्रार्थना करी, श्री बेताल की उवाचह बेताल उचुहु। बेतालों ने कहा हे प्रभु, सभाओं तथा यज्ञ स्थलों में आपके विमर्श यश का गायन करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति हमें आदर प्रदान करता था। जब भगवान का यज्ञ करा जाता है और योग यज्ञ में जो त्रुटि होती है, उस त्रुटि को बेताल आदि ग्रहण करते हैं। इस असुर ने आपके उस पद को छीन लिया था, अहो भाग्य है कि आपने इस असुर को मार करके हमारे भीषण रोग को ठीक कर दिया। इस संसार में जो भी रोग हो संसार का, शरीर का, नरसिंह की पूजा करने से, हमारे इस्कॉन मायापुर में नरसिंह भगवान की मूर्ति है, विग्रह, उनके लिए लोग रोज नरसिंह आरती ऑनलाइन बुक करते हैं और घर पे प्रसाद आता है। बड़े बड़े कैंसर के रोग खाली नरसिंह स्तुति करने से ठीक हो सकता है। नरसिंह में बहुत शक्ति है, नरसिंह हर चीज का बल प्रदान करता है, तो कम से कम भक्ति की रक्षा तो मांग सकता है। नरसिंह कवच आदि का पाठ कर रहे हैं, अगर आज के दिन अगर पढ़ना नहीं आता है तो सुने, नरसिंह कवचम वक्षम, भगवान के वक्ष स्थल से प्रकट नरसिंह, ये वामन ब्रह्मांड पुराण के अंदर लिखा गया है, नरसिंह कवचम वक्षम। ये जो नरसिंह कवच है, इस तरह से नरसिंह कवच आदि का पाठ बेताल बेतालिक उवाच है, बेताल लोगों ने कहा कि सभी भीषण रोग को पार कर सकता है। नरसिंह कवच में लिखा है आप हमारी आंखों की रक्षा करिए, आप हमारी गर्दन की रक्षा करिए, आप हमारे छाती की रक्षा करिए। तो लोग बोलते हैं हम इसमें भगवान से भौतिक तो नहीं मांग रहे, आप भौतिक नहीं मांग रहे, आप बोलिए योग रक्षा करेंगे तब हम आपकी सेवा करेंगे, सेवा का भाव रखेंगे तो भौतिक नहीं है, वरना नरसिंह कवच भौतिक बन जाएगा लोगों के लिए कि आप हमारी रक्षा करिए फिर हम भोग करेंगे, नहीं हम आपकी भक्ति योग करेंगे तो फिर ये ठीक है। किन्नर उवाच, किन्नर होते हैं ना स्त्री ना पुरुष, तो किन्नर एक लोक है, किन्नर लोक से किन्नर आते हैं, तो किन्नर लोक है देवताओं का लोक, उन्होंने भी भगवान नरसिंह से प्रार्थना करी और कहा इस असुर ने हमें अपने पाप से दबा रखा था, लेकिन आज आपने हमें मुक्त कर दिया। विष्णु पार्षद उचुहु, विष्णु के पार्षदों ने भी प्रार्थना करी कि प्रभु आपके जय विजय हमारे मित्र थे और वही तो हिरण्यकश्यप बनकर आ गए थे, आपने हमें शिक्षा देने के लिए संसार में इतनी सुंदर लीला करी। विष्णु पार्षद उचुहु, यद्यपि जय तथा विजय हमारे ही भाई बंधु है विष्णु पार्षद है, लेकिन भगवान आप ही ने उनको सलाह दी थी कि या तो 7 बार भक्त बनो या 3 बार शत्रु बनो, इन्होंने 3 बार शत्रु बनना मंजूर किया। पहली बार में आपने इनको मार के संसार को शिक्षा दी कि कोई बल कोई देवता काम नहीं आता, केवल आपकी भक्ति काम आती। इस प्रकार नरसिंह भगवान के सभी देवताओं ने स्तुति की। अब जब सारे देवता स्तुति कर रहे थे तो भगवान नरसिंह तो उग्र रूप में थे, शांति नहीं हो रहे थे, सबने कहा अब नहीं होंगे ये शांत, अब तो ब्रह्मांड नष्ट होगा, प्रलय आएगी तभी कुछ हो। सबने लक्ष्मी देवी से कहा लक्ष्मी जी आप तो प्राण प्राणेश्वरी हैं, इनकी लक्ष्मी नारायण रूप में सदा साथ है, आप जाइए कुछ करिए।
सारी पत्नियां सारी स्त्रियां देखा जाए तो अपने गुस्से से पति को डरा के रखती हैं, चाहे वो प्रेम के कारण ही हो, लेकिन पुरुष भी डरता है कि कहीं ये रुष्ट ना हो जाए। लक्ष्मी जी और नारायण के वश में भी कहा जाता है कि लक्ष्मी जी से नारायण डरते हैं, और एक बार जगन्नाथपुरी से निकाल दिया था जगन्नाथ को लक्ष्मी जी ने, घर घर घूमे, लक्ष्मी जी ने कहा मैं अन्न नहीं बनाऊंगी, तुम्हें खिलाऊंगी नहीं, वो लंबी लीला है। फिर पुनः लक्ष्मी जी से रिक्वेस्ट करके जगन्नाथ वापिस आए, लेकिन यहाँ देखते कि लक्ष्मी जी की सुनते थे, लेकिन इस रूप में लक्ष्मी जी पास गई करके चिल्लाए नरसिंगा। लक्ष्मी जी बोली नहीं नहीं इस समय मैं नहीं जाऊंगी, इस समय बड़े क्रोध में, इस समय किसी की नहीं सुन रहे, आप लोगों की मेरी सुनेंगे। यानी कि लक्ष्मी जी को गोदी में बिठाते हैं लक्ष्मी नरसिंह रूप में, है ना, उन लक्ष्मी भी डर कर पीछे चले। बस एक प्रहलाद था जिस प्रहलाद को उठाकर के गोदी में बिठाए भगवान, और प्रहलाद से माला नहीं पहनाई जा रही थी क्योंकि नरसिंह इतने विशाल थे, आकाश तक उनका बाल लहरा रहे थे। भगवान ने नरसिंह को एक हाथ से, नरसिंह ने एक हाथ से प्रहलाद को उठा के राइट साइड की गोदी में बिठा लिया, बैठाया और नरसिंह के पास आकर के भगवान ने अपना गर्दन भी नीचे कर दी, हाँ, और प्रहलाद ने माला गले में, प्रहलाद ने जब गले में माला डाली तो प्रहलाद से कहते हैं तुझे डर नहीं लगता? प्रहलाद कहता है मुझे प्रभु सिंह से पूरा जंगल डरता है, लेकिन अपना बच्चा जो शेर का बच्चा है वो शेर से डरता है, वो तो शेरनी के दूध पीता है, शेर की पीठ पर चढ़कर खेलता है, मैं तो आपका पुत्र हूँ, विष्णु पुत्र हूँ, फिर कृष्ण पुत्र हूँ, मैं क्यों डरूंगा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए इस बात को सुनकर, जैसे तवे के ऊपर पानी डालो तो 2 मिनट में ठंडा हो जाता है, ऐसे प्रहलाद की इस बात को सुनकर के उग्र नरसिंहा बन गए शांत नरसिंहा। इसीलिए लोग प्रहलाद की जय कहते हैं, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। इसीलिए भक्त है, यानी कि संसार में बड़े बड़े शिव जी ब्रह्मा जी दुर्गा जी लक्ष्मी जो काम नहीं कर पाए भक्त कर डालता है। इसीलिए दुनिया में भक्त की शरण लो, देवता की शरण उच्चम शक्त है, भक्त गुरु आदि की शरण में जाना। भक्तों में वो बल है जो भगवान से डरते नहीं है, भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है भक्तों का। भक्त से पूछा प्रहलाद तुम्हारी कोई इच्छा है? कहा हाँ, मैं कोई व्यापारी हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन हूँ जिसने तुम्हारी पूजा कुछ मांगने के लिए करी है, मैं वणिक नहीं हूँ, मैं वणिक धर्म का नहीं हूँ जो आपसे कुछ मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। भगवान बोले नहीं, इतना कष्ट सहा है तूने, मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे तेरे कष्ट देखकर, लेकिन संसार को शिक्षा भी तो देनी थी कि मेरा भक्त कितने भी कष्ट सहे लेकिन मेरा भजन नहीं छोड़ता, तो क्यों कुछ तो मांग इतने कष्ट सहे। बोला देखिए वैसे तो मैं कुछ चाहता नहीं, फिर भी लेकिन अगर आप देना चाहें एक इच्छा है, जो भी था जैसा भी था पिता तो मेरा पिता था, उसी कुल में मैंने जन्म लिया, मेरे पिता को जरा मुक्त कर दीजिए प्रभु। भगवान बोले अरे बात कैसी करते, जिसके घर में तुम्हारे जैसा भक्त होगा उसको सोचना पड़ेगा मुक्ति के लिए। भगवान ने कहा त्रिसप्त भी पिता पूतः, त्रिसप्त भी 7 और 3 इसको जोड़ दो गुणा करो 21। अरे तेरे जैसे पुत्र जिस घर में हो ना, त्रिसप्त भी पिता पूता, उस घर के पिता पित्र पुत्र सब मुक्त हो जाते हैं, ऐसी चिंता क्यों करता है कि मुक्त नहीं होंगे, ना सबको मुक्त कर दिया है, चिंता मत कर। बड़ा प्रसन्न हुआ प्रहलाद, बोला ये तो अच्छी बात है। कहा चलो अब मेरे साथ मेरे लोक में रहना, नरसिंह लोक में तुम मेरे साथ हो। कहा नहीं 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 नहीं, जब तक मेरे असुर वंश के लोग सबके सब भक्त नहीं बन जाते प्रभु, मुझे आपके लोक में नहीं आना है, ये भक्त की इच्छा है। हम लोग कहते हैं बाढ़ में जाए दुनिया, है ना, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, हमें भगवान मिल जाए, हमें कहीं नहीं जाना, प्रभु जल्दी गोलोक दे दो, सास से पीछे छुड़ा दो, पति से पीछे छुड़ा दो, बच्चों से पीछे छुड़ा दो, ऑफिस से नौकरी से पीछे छुड़ा दो, जल्दी मुक्ति दे दो प्रभु, हे प्रभु मरता भी क्यों नहीं हूँ, जल्दी मृत्यु आ जाए, मृत्यु भी नहीं आ रही है। ऐसे नहीं, भक्त चाहता है जन्म जन्म रहूं, इसी संसार में रहूं, भक्ति करूं और लोगों को भक्ति में लगाऊं, जब तक एक एक व्यक्ति को भक्त ना बना दूं ना, तब तक प्रभु आपके लोक में मुझे मत बुलाना, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम
कविताम्बा जगदीश कहा मये मम जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तुकी त्वई। मुझे न धन चाहिए, ना मुझे परिजन चाहिए, ना मुझे बहुत सारे शिष्य परंपराएं चाहिए, ना मुझे सुंदर स्त्री अप्सरा चाहिए। मुझे क्या चाहिए, जन्म हो, अनेक जन्म हो, लेकिन आपके भक्त बनकर हो, आपकी भक्ति करूं, दुनिया को भक्ति कराऊं, बस इसमें लगा के रखना। इसमें जो आनंद है ना, आपके लोक में भी वो आनंद नहीं मिलने वाला। प्रभु मुझे अपनी भक्ति दो, और वो कौन सी भक्ति, अहेतु की, बिना किसी कारण के भक्ति देना। कहीं मैं बिजनेसमैन ना बन जाऊं, आरती पूजा करूं और कुछ मांगू, आरती पूजा करूं फिर कुछ मांगू। इस मंगलवार ये मांगेंगे, अगले मंगलवार वो मांगेंगे, तीसरे मंगल ये मांगेंगे, चौथे मंगल वो मांगेंगे, पांचवें मंगल दंगल करेंगे, लड़ाई करेंगे। ऐसा पूजा पाठ नहीं चाहिए, ऐसा पूजा पाठ नहीं चाहिए। ऐसा दो प्रभु कि बस मुक्त हो जाऊं, आपका भजन में रक्त रहूं, हमेशा भजन में। ये बहुत बड़ा प्रसंग है, एक पूरा अध्याय है प्रहलाद की स्तुतियां, प्रहलाद ने क्या मांगा भगवान से, क्या चर्चा हुई। तो ये अगली बार जब नरसिंह चतुर्दशी आएगी और हमें जब मौका मिलेगा, तो फिर हम प्रहलाद स्तुतियों पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार भगवान से प्रहलाद की बहुत सारी चर्चा हुई, हमने तो उसे संक्षिप्त रूप में समझा है। प्रहलाद की सब बातें सुनकर के भगवान ने वात्सल्य प्रेम से भर गए, हृदय में इतना प्रेम आ गया, इतना प्रेम आ गया जैसे गाय को अपने बच्चे के प्रति इतना प्रेम होता है। इसीलिए इस प्रेम को वात्सल्य कहते हैं, जो वत्स के प्रति, गाय का वत्स होता है बछड़ा जब पैदा होता है, तो मनुष्य का बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर क्लीनिंग करता है, नर्स क्लीनिंग करती है, पशुओं के बच्चे पैदा होते हैं तो वेटरनरी डॉक्टर क्लीनिंग करता है, लेकिन गाय कैसी है, जब उसका बच्चा खून पीप के साथ पैदा होता है तो गाय अपनी जीभ से चाट चाट कर उसकी गंदगी साफ करती है। ऐसे ही भगवान ने प्रहलाद को चाटना प्रारंभ कर दिया, अपने सिंह जीभ से भगवान ने प्रहलाद को पूरा चाटा कि रंच मात्र भी इसमें कोई कलमश हो तो मैं उसको चाट के मुक्त कर दूं, इसकी गंदगी साफ कर दूं, इसमें कुछ ना हो। वात्सल्य प्रेम से भरकर उसको चाटने लगे, जैसे माता पिता अपने बच्चों को जब ज्यादा प्रेम आता है तो गले लगा करके उनको प्रेम करते, चुंबन आदि करते हैं, ऐसे ही भगवान प्रहलाद को अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं। श्री नरसिंहा, जय नरसिंहा, जय 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 नरसिंह देव, प्रहलादे से जया पद्मा मुखा पद्मा भृंगा। भगवान ने उसके सुंदर पद्म मुख को देख देख कर चाटना प्रारंभ किया, हे नरसिंहा, जय नरसिंहा, जय 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 नरसिंह देव, प्रहलादे से जया पद्मा मुख पद्मा भृंगा। भगवान ने उस प्रहलाद के मुख को देखा। तो आज के दिवस पे भक्तों को प्रहलाद जैसा भाव लाना चाहिए, भक्ति लानी चाहिए, और भगवान अपने भक्तों पर अहेतुक कृपा करते हैं। केवल व्रत करने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अभिषेक आदि देखने से, भोग लगाने से, माला जाप करने से, कथा करने से, कथा सुनने से, भगवान छोटी भी कोई सेवा भगवान के लिए की जाए, सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, थोड़ा सा भी कर लोगे ना, मैं तुम्हें महान भय से रक्षा करूँ, थोड़ा सा भी कर लो, मान लो। इसलिए थोड़ा थोड़ा भी करेंगे हर वर्ष तो बहुत हो जाएगा भगवान की दृष्टि में। बूंद बूंद से पानी भरता है, अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा करिए। ठीक है, तो हम यही समाप्त करेंगे, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नरसिंह चतुर्दशी दिवस की जय। श्री नरसिंह भगवान की। ओके, तो जिनको प्रश्न पूछने वो अपना हैंड रेस करेंगे, फिर हम प्रश्न पूछेंगे। जगदीप ठाकुर जी पूछना चाहते हैं। यस प्रभु जी, अपना अनम्यूट करिए प्रभु जी पहले। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे दो सवाल थे। कल भी आपका प्रवचन सुना तो कल आपने एक डॉक्टर के बारे में बोला था कि जो डॉक्टर है वो पैसा भी लेता है और मौत भी देता है, और जो जमराज है वो सिर्फ मौत देता है। तो इसके बारे में मेरे थोड़ी संशय थी कि डॉक्टर पैसा तो लेता है लेकिन मौत नहीं देता। मेरे पांव में फ्रैक्चर हो गया था प्रभु जी, अब भी मैं ऑन बेड हूँ,
तो उस फ्रैक्चर की वजह से मुझे बहुत कष्ट हुआ उस दिन, तो मुझे उठा के ले गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने उसी वक्त मुझे ट्रीटमेंट दी, तो मुझे डॉक्टर भी भगवान जैसा लगने लगा कि इसने मुझे इतने कष्ट से उभार लिया है। तो ये मेरी थोड़ी संशय थी कि आपने ये कल बोला था ना, तो मुझे ये तो ठीक है पैसा तो लेते हैं, लेकिन मौत जो देते हैं वो थोड़ा मुझे इसमें संशय था जी। बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। तो जगदीप जी, ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर के विरोधी है, हमारे खुद के बहुत सारे डॉक्टर शिष्य हैं, लेकिन हम उन डॉक्टरों की चर्चा करते हैं जो डॉक्टर चीटिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत करते हैं, वो लोग यमराज के समान हैं। और ये श्लोक शास्त्र श्लोक है, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरहा यमस्तु हरति प्राणम वैद्य प्राणम धनानि चहा। हे वैद्यराज, यम के भाई, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यम तो सिर्फ प्राण लेता है पर आप धन भी लेते हैं और प्राणों को भी लेते हैं। तो धन का लेने का मतलब है, एक तो आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके संशय को दूर कर दूं, डॉक्टर को भगवान समझना ये माया का कारण। डॉक्टर भगवान ये तो हमारे इसी कथा प्रसंग में अभी कई सारे डॉक्टर सुन रहे हैं और डॉक्टर सुनते हैं, और मैं हर वर्ष हर महीने बहुत सारे हॉस्पिटलों में लेक्चर देने जाता हूँ, डॉक्टर के बीच बैठकर ये बात बोलता हूँ, डॉक्टर नाराज नहीं होते। होता क्या है, हम ब्रह्मा की तरह माया में बंध हैं, हमें लगता है कि डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, लेकिन आज ही हमने बताया ब्रह्मा जी कह रहे सृष्टि के कारण भी कृष्ण है, तो डॉक्टर कैसे कारण हो गया। डॉक्टर तो एक निमित्त मात्र है जो भगवान की इच्छा अनुसार ठीक करते। एक बार हम गए थे हमारे कुछ भक्त लोग, तो एक डॉक्टर ने बोला मैंने देखो कितने लोगों की रक्षा करी इस काल में, कोरोना काल। तो हमने कहा कि अच्छा तो आप कारण है रक्षा के। बोले हाँ डॉक्टर कारण है रक्षा का। मैंने कहा अच्छा, तो जिनकी मृत्यु हो जाती है फिर उनका कारण भी आप ही तो होंगे, क्योंकि वो हॉस्पिटल में मर रहे हैं लोग। कह रहे नहीं नहीं हम कैसे कारण है, उनके नसीब में लिखा है तो मर गए। मैंने कहा अच्छा, मर जाना उनके नसीब में लिखा है और ठीक करना आपके नसीब में लिखा है भगवान ने। तो मैंने कहा यहाँ गड़बड़ है, या तो दोनों एक साइड बोलो या दोनों साइड बोलो। तो इसलिए डॉक्टर सच बात है कि डॉक्टर सेवा करते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन डॉक्टर उसके मुख्य कारण नहीं है। उसका मुख्य कारण कृष्ण चाहते थे आपके पैर में प्लास्टर लगे और आप जल्दी स्वस्थ हो, तो डॉक्टर उसका निमित्त बन गया। अर्जुन निमित्त बन गया, लेकिन युद्ध अर्जुन ने नहीं जीता, कृष्ण ने जीतवाया। इस तरह से हमें कहा गया कि डॉक्टर जो अपने को भगवान मानने लगते हैं वो धन भी लेते हैं और यमराज के सहोदर होते प्राण भी लेते हैं, लेकिन जो डॉक्टर भक्त बन जाते हैं वो भक्त कहलाते हैं, वो यमराज नहीं रहते, वो भक्त बन जाते। एक छोटा सा प्रश्न और था प्रभु जी। तो जैसे मैं व्यास जी द्वारा 18 पुराण लिखे गए हैं और भागवत पुराण तो मैं डेली पढ़ता हूँ, तो वो तो भगवान कृष्ण की लीला है, वो तो डेली पढ़ता हूँ, तो उसके साथ मैं एक आध पुराण और शुरू कर रखता हूँ। अच्छा। तो इसमें देवी भागवत पुराण मैंने शुरू किया हुआ था, तो उसमें देवी की भी महिमा बहुत गाई हुई है व्यास देव जी ने, तो देवी के बारे में, दुर्गा के बारे में और मेरी जो कुलदेवी के बारे में है, वो मैं यही पूछना चाहता था कि जैसे महाभारत में ही प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी देवी उपासना के लिए कहा था कि देवी का आशीर्वाद आपको लेना है और जरूर लेना चाहिए, और अर्जुन ने देवी उपासना की और देवी जी का आशीर्वाद लिया। तो जैसे भगवान विष्णु जी जब क्षीर सागर में प्रलय के बाद थे, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, मधुकंटक दंत ने उनको मारने के लिए उनके भगवान के कान के महल से प्रकट हुए, जैसे देवी भागवत पुराण ने बताया है, तो ये माया थी जो देवी थी, तो उन्होंने भगवान विष्णु को मोह रखा था, तो ब्रह्मा जी ने उपासना की तो माया ने अपना भगवान विष्णु के से अपना ध्यान हटाया, तब वो जागे और दोनों दैत्यों का वध किया। तो इसलिए बोलते हैं जय जगदम्बा प्रगट भाई खोर के खंबा, कि जो भगवान है उनपे भी जो देवी है ना वो प्रगट हुई है सभी देवी देवताओं के अंश से। जैसे देवी मद भगवान ने बोला हर एक देवी ने, हर एक देवता ने उनको कोई ना कोई शक्ति प्रदान की, तब दुर्गा प्रकट हुई थी। तो भगवान कृष्ण की भी कुल देवी थी, जिसके मैं मंदिर में गया जहाँ पे उनकी मुंडन भी हुआ था भगवान कृष्ण का देवी आराधना के बाद,
और द्वारका में तो देवी जब आप एंटर करते हैं तो बाएं तरफ पे देवी उनकी कुलदेवी का मंदिर है, दाएं तरफ पे प्रद्युम्न जी का मंदिर है। तो देवी की उपासना के बिना तो जीवन अधूरा है, मैं सोचता हूँ ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत 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 अच्छा, धन्यवाद जगदीप जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और सभी को इसका उत्तर सुनना चाहिए। और आपकी गलती नहीं है, सारे संसार में आज ये भ्रम व्याप्त है। क्या होता है, कहते हैं जब व्यक्ति अधिक ज्ञानी हो जाता है ना, तो फिर उसका ज्ञान कई शाखाओं में बढ़ जाता है। तो व्यास देव जी ने ही सारे शास्त्र लिखे, जैसा आपने कहा, तो उप पुराण व्यास देव जी ने नहीं लिखे। और देवी भागवत उप पुराण में आता है, 18 पुराणों में उसकी संख्या नहीं है। 6 पुराण तमोगुणी है, 6 पुराण रजोगुणी है और 6 पुराण सतोगुणी है। तो देवी पुराण जो है वो तमोगुणी लोगों का पुराण है, असुरों का, शुंभ निशुंभ। होता क्या है, जब जैसे आप मानो लेबर है, लेबर अपना एक यूनियन लीडर बना लेती है और उसी को नेता बना के माला पहनाती है और यूनियन कहती है बस हमारे लेबरों का, लेबर चौक का लीडर यही है। लेकिन वो लीडर तो नहीं होता, देश साम्राज्य का लीडर नहीं होता, लेबर का लीडर होता है, यूनियन का लीडर होता है, लेकिन मालिक तो नहीं होता, मालिक तो मालिक ही होता है। और कभी कभी यूनियन लीडर को मालिक के खिलाफ खड़ा भी कर देते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। तो जो असुर साम्राज्य के लोग हैं, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, मायस्तेते हतः ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया जाता है वो मेरी माया शक्ति देवी माँ की पूजा करते हैं। लेकिन जिनका माया से ध्यान मुक्त हो जाता है, जिनके ऊपर ये तमोगुण रजोगुण हट जाता है, वो लोग मेरी शरण में आते हैं। देवी एशी गुणमयी मम माया अदुरतया, मेरी माया को पार करना बड़ा मुश्किल है, माम एव य प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं माया में ताम तरंतिते, वो माया को पार कर जाते हैं। तो पहली बात तो 6 पुराण है, तमोगुणी, 6 रजोगुणी, 6 सतोगुणी, सारे वेद व्यास जी ने लिखे। उप पुराण वेद व्यास ने नहीं लिखे, उप पुराणों को ऋषि मुनियों ने लिखा। तो उप पुराण में देवी भागवत जो है वो तमोगुणी पुराणों का हिस्सा है। अब तमोगुणी पुराण में तमोगुणी लोग अपनी अपने अनुसार अपनी बुद्धि से अपने पुराणों की कमेंट्री कर गए, लेकिन वेद व्यास जी ने जब सारे पुराण लिख लिए तो अपने गुरु नारद मुनि से कहा, अस्ति एवं मे सर्वम इदम तुत उत्तमम तथापि नात्मम परितुष्यति मे, मेरी तुष्टि नहीं हो रही, मेरे हृदय में संतुष्टि नहीं आ रही है, मैंने सब कुछ लिखा। तत् मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम, मैं बड़ा अगाध हूँ, मुझे आप कृपया करके इस अगाध बोध व्यक्ति को ज्ञान दीजिए कि संसार का सबसे मुख्य पुराण कौन सा, नारद जी से पूछा। क्योंकि ब्रह्मांड में सभी को ज्ञान देते हैं, कंस को भी ज्ञान दिया, सबको ज्ञान देते हैं, लेकिन कुछ लोग ज्ञान लेते हैं, कुछ लोग ज्ञान को रिजेक्ट कर देते हैं। अभी एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट IAS बनते हैं, कुछ चोर उचक्के बन जाते हैं। तो इस सृष्टि में सारे लोग हैं, सतोगुणी भी है, तमोगुणी भी। तमोगुणी लोग देवी की पूजा करते हैं, रजोगुणी लोग और देवताओं ब्रह्मा शिव की पूजा करते हैं, और सतोगुणी लोग विष्णु आदि की पूजा करते हैं, और जो शुद्ध सत्व में होते हैं वो कृष्ण की पूजा करते हैं, वासुदेव सत्व के लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। तो उन्होंने पूछा, प्रच्छामि त्वम आत्म एव आत्मभूतम, मुझे बताइए, जो व्यक्ति आत्मा का ज्ञान लेना चाहता हो, जिसको इस संसार से कोई लेना देना ना हो, जो भगवान की भक्ति करना चाहे, उसको क्या करूं, मेरे को तुष्टि नहीं मिल रही है, 18 पुराणों में क्या त्रुटि हो गई, मैंने क्या गलती लिख दी जो मेरे मन में संतुष्टि नहीं आ रही। तो नारद जी ने कहा, यथा धर्मम अदश्चय अर्थ मुनि वरम अनुकीर्तितः ना तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्तति, तुमने अभी तक वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया ना, इसलिए तुम भी फंस गए और तुम्हारे पढ़ने वाले भी फंस गए। तो नारद जी ने कहा, अब तुम भागवत पुराण लिखो, श्रीमद भागवत पुराण, जिसमें तुम सारे पुराणों की गलतियों को क्षमा मांगो, मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई, और फिर तुम सच्चा धर्म, भक्ति का धर्म, वसुदेव सत्य का उदाहरण करो। तब उन्होंने कृष्ण भक्ति को लेकर के बोला, धर्म प्रोजितः कैटव निर्मत्सराणामता, मैंने जो कुछ भी लिख दिया ये कैटव धर्म, ये नकली धर्म है कि आरती कर ली, अगरबत्ती कर ली, नवरात्रि कर लिए और हो गया मेरी पूजा। इस तरह से भागवत पुराण उजागर हुआ। और भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को बोला कि जाओ देवी के मंदिर में जाकर के मांगो, तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो लड़ाई झगड़े की भावना है ना, ये संसार की महामाया है, लड़ाई झगड़ा महामाया है। भगवान जब सब कुछ देने योग्य हैं तो फिर क्या करेंगे, सारी अपनी शक्तियां अलग अलग जगह बांट देते हैं, योग माया महामाया सब जगह बांट देंगे। अब मान लो एक मालिक है और मालिक ने अपने टोकन, जो लंच के कूपन होते हैं, वो पियन को दे रखे हैं। अब मालिक से, ओनर से कोई मांगने आया, बोला प्रभु जी मुझे ना एक फूड कूपन चाहिए खाने के लिए, लंच का। तो मालिक क्या कहेगा, कूपन मैं खुद काटूंगा, कहेगा जाओ
पीएन से ले लो, मैंने कूपन उसको दे रखा है। अरे मालिक ने खुद बोला पीएन से मांगो, तो पीएन मालिक हो गया ना कि मालिक मालिक हो गया। तो उस तरह से भगवान ने अर्जुन को बोला जाओ देवी से मांग लो, उसको दे रखे है मैंने, जाओ उससे मांग लो, मैंने उसको शक्तियां दे रखी, उससे मांगो, युद्ध करो, फिर बाद में भक्ति करके मेरे को। तो कृष्ण ही इसके मूल कारण है, बाकी सारी देवियां शक्तियां हैं, लेकिन कृष्ण के बिना सारी शक्तियां अधूरी हैं। जो कृष्ण भजन नहीं करते उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपका साउंड थोड़ा कम हो गया है आपने। अच्छा अच्छा, वो तो मेरा गला का साउंड कम हो गया, गला खराब है मेरा ना, तो उसका साउंड कम हो गया। नहीं नहीं ओरिजिनल नहीं, नहीं खराब हो गया एक्चुअली। वो जब आपने ताली अभी आपने थोड़ी देर बस उस समय कर देखिए कुछ सेटअप शायद टेक्निकल इशू होगा, थोड़ा सा वॉइस बढ़ाए। अभी आ रही है? हाँ और बढ़ाइए प्रभु जी, अभी ठीक हुई। तो अभी हम लेंगे प्रश्न, मेरी माता जी अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम जी। जी बहुत सुंदर कथा, पिछले 6 दिनों से रुक्मणी द्वारका जी सुनते आ रहे थे, तो उसका एक ब्लॉकबस्टर चढ़ रहा था और उसका इम्पैक्ट पता नहीं था कि बात को बात नरसिंह कथा जो आई है बहुत सुंदर, और नरसिंह भगवान के लिए और प्रेम जाग गया है कथा सुन के। तो प्रभु जी प्रश्न एक है मेरा कि अगर घर के अंदर विग्रह नरसिंह भगवान के ना हो और फोटोग्राफ भी ना हो, तो फिर आज के दिन पूजा किस तरीके से करी जाए उनकी? अगर फोटोग्राफ भी नहीं है और वो भी नहीं है, तो मोबाइल है हमारे घर पे, लैपटॉप है हमारे घर पे, उससे प्रिंट आउट कलर प्रिंट आउट निकाल लें, उसको फोटो को लगा दे दीवार पे और फिर उनकी पूजा कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं जी प्रभु जी। और वो निर्जला रखना कंपल्सरी है आज के दिन? नहीं, कोई कंपनसेशन भगवान की भक्ति में कोई कंपनसेशन नहीं है। आप अगर दवाइयां खाते हैं, आप बीमार हैं, तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं, फलाहार अनुकल्प ले सकते हैं, और शाम को 7 बजे के बाद जब भगवान का प्रकट हो जाएगा अभिषेक, उसके बाद आप और मतलब समक राइस और अन्य अन्य एकादशी का प्रसाद खा सकते हैं। लेकिन अगर आप रख सकें तो जल के साथ रखने की कोशिश करें, उसकी जितना ज्यादा तपस्या करें प्रसन्न करना भगवान को। जैसे मैं पानी के बिना नहीं रख सकता हूँ क्योंकि मेरा गला खराब है, मुझसे नहीं रखा जाता, तो मैं जल ले रहा हूँ लेकिन फल नहीं ले रहा हूँ। तो कुछ लोग निर्जल रखते हैं, कुछ लोग जल के साथ रखते हैं, कुछ जल और फल के साथ रखते हैं, उसके साथ भी नहीं रख पा रहे, आपको भूख लग रही है तो आप फलहार के साथ रख लीजिए, पर जैसे भी करके नरसिंह का भजन करते रह लीजिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, कवि चंद्रशेखर गुप्ता प्रभु, अनम्यूट कर दो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हाँ प्रभु जी, बस छोटा सा प्रश्न था मेरा ये, मतलब जैसे हम जैसे दिन भर में कई बार लघु शंका के लिए जाते हैं, तो उसके बाद हमें मतलब माला वगैरह या जो भी करना होता है, तो उसके पहले हमें हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें अपने आप को थोड़ा शुद्ध करना पड़ेगा कुछ ऐसा, और कुछ जल लेकर अपने सिर पे डालना चाहिए और मंत्र बोलना चाहिए, ओम अपवित्रम पवित्रम वा सर्वाम अवस्थे गतो पिवा या स्मरेत पुंडरी काक्ष सा भयम अभयंतरम शुचि। ये मंत्र बोलने से सब कुछ पवित्र हो जाता है बाहर और अंदर। मंत्र नहीं याद है तो कम से कम भगवान विष्णु का नाम ले लीजिए, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। उतना भी याद नहीं है तो इतना बोल लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अपने पूरे पानी डाल लीजिए, इस तरह से आपका मंत्र स्नान हो जाएगा और फिर पुनः अपनी माला आदि कर सकते हैं। लेकिन जब आप मल त्याग करते हैं, मल त्याग करने के बाद स्टूल पास करने के बाद आपको स्नान पूर्ण स्नान करना जरूरी होता है, फिर आप माला नहीं कर सकते। इसलिए मल त्याग करने के बाद, टॉयलेट जाने के बाद, स्टूल पास करने के बाद आपको स्नान करना अति आवश्यक है, वरना जो भी आप करेंगे वो क्रिया अपवित्र होगी, अधूरी होगी, अशुद्ध होगी। और दूसरा प्रश्न मुझे पूछना है कि जैसे अभी क्या है कि मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हूँ काफी टाइम से, तो मैं थोड़ा सा, मुझे डॉक्टर ने थोड़ा सा बोला है कि थोड़ा सा आपको मतलब एग वगैरह लेने के लिए बोला है, तो क्या मैं
मेरे पास माला है पर वो माला नीम की माला है, तो वो मैंने प्रभु जी से पूछा था, तो वो कहते कि आप ऐसे केस में तुलसी माला का जाप नहीं कर सकते पर नीम माला कर सकते हो अगर आप मतलब जैसे गार्लिक और एग वगैरह या अनियन लेते हो, तो क्या ऐसा सही है? तो ऐसा सही है? देखो वैसे तो मेरा आपके प्रति सजेशन है जी, जी भगवान के भजन के लिए, जैसे संसार में कई चीजों के लिए, जैसे अगर डांसर बनना है तो आदमी कहता है अपना वजन कम करो, अगर सिंगर बनना है तो कहता है गले का ख्याल रखो, ठंडा मत लो खट्टा मत लो, स्पोर्ट्समैन बनना है तो कहता है प्रोटीन लो, ऐसे अगर भक्त बनना है ना तो अंडा प्याज ये सब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि संसार में ऐसी कोई बीमारी नहीं जो अंडे प्याज से ठीक हो, है ना, कोई बीमारी नहीं। मुझे 20 साल हो गए मैं हॉस्पिटल में भी रहा हूँ, पूरा इतना 1.5 महीना हॉस्पिटल में रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं, कोई दवाई ऐसी नहीं बनी जो कहे कि अंडा खाएंगे मांस खाएंगे प्याज खाएंगे तभी आप ठीक होंगे, सारी बीमारियां वेजिटेरियन दवाइयों से भी ठीक हो सकती है। तो और हमारे घर में कभी भी नहीं खाया गया प्याज, जैसे हमारी कुल परंपरा से भी नहीं खाया जाता, हम लोग ब्राह्मण कुल से आते हैं, तो हार्ट अटैक भी हुए हैं, विवेक भी हुए हैं, फ्रैक्चर भी हुए हैं, और टूट कर हड्डियां टूट गई, चूर चूर हो गई हैं, आंखों के ऑपरेशन हुए हैं, सारी बीमारियां परिवार में हुई हैं, लेकिन कभी अंडा प्याज खा रहा है, डॉक्टर को बोला डॉक्टर हम खाते नहीं है, डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं आप दवाई खा लीजिए खा लीजिए, तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो अंडे प्याज के बिना ठीक नहीं हो सकती। तो अगर आप छोड़ दें तो बहुत उत्तम है, नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर वही तरीका ठीक है कि भगवान का नाम लेते रहिए, एक ना एक दिन नाम आपको अपने आप से जिज्ञासा देगा कि ये चीजें छोड़ देनी चाहिए, तब तक आप नीम की माला से कर सकते। जी जी बस यही प्रश्न था मेरा। ठीक 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 प्रभु ओके। ज्योति दुर्गा ज्योति माता जी प्लीज अपना वीडियो ऑन करेंगे तभी प्रश्न पूछ पाएंगे, तब तक हम रोमा माता जी का क्वेश्चन ले रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे ना 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ना, कल आपने अक्षरा जी को बताया था कि उनके घर में शालिग्राम है, तो वो पूछ रहे थे कि मैं इसे प्रवाहित कर दूं, जल प्रवाहित कर दूं, तो आपने कहा था कि नहीं उसके अकॉर्डिंगली जितना सोना है आप दान कर लो, तो अगर प्रभु जी किसी के पास इतना ना हो करने के लिए तो फिर वो उसके लिए कुछ और है कि वो कुछ और ऐसा कर सकता है? एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने कहा था कि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, अगर किसी ने शराब वगैरह कुछ भी पिया हो, अगर भगवान जी की हम लोग नरसिंह भगवान जी की हम लोग पूजा करेंगे तो हम लोग उस पाप से मुक्त हो जाएंगे, तो इसका भी तो कोई मिसयूज कर सकता है, अगर लोगों को पता होगा तो वो लोग सारा साल ऐसे काम करते रहेंगे और इस दिन पूजा कर लेंगे, तो उनका तो इस चीज का भी क्या है कि अगर कोई ऐसे जानबूझ के करे तो क्या उसे उसकी सजा मिलेगी आगे जाके, या फिर उसके भी पाप मुक्त हो जाएंगे? सच बात है, आपने प्रश्न पूछा है, सारे पापों का उद्धार करने का एक ही प्रायश्चित है, भगवान के नाम का जप। अगर हमसे कोई भी गलती हो तो चैंटिंग ऑफ द होली नेम, सर्व पाप प्रणाशनम, जितने भी पाप है उनका नाश हो जाता है। तो अगर आप शालिग्राम के बदले सोना नहीं दे सकते तो अच्छे भक्त बनिए, अच्छे भक्त बनकर के आप भगवान की सेवा करिए, भगवान जानते हैं आपके हृदय की भावना, तो फिर सारे अपराध मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, अगर ये पता चल जाए और हम उससे गलत करें तो ये उससे भी बड़े पाप है, इसको शास्त्र में कहा गया नाम नाम नोही बलदस्य पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना कि भगवान हमें मुक्त कर देंगे, हमें ऐसा कर देंगे अब हम पाप करें, इसको कहते हैं नाम के बल पर पाप करना। और जो भगवान के बल पर पाप करते हैं उनको बड़े ही निकृष्ट योनियां मिलती हैं, नीचे की योनि मिलती है, तो कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए कि हम भगवान के नाम भी लेते रहे, इधर एक तरफ तो शुद्धि चलती रहे इधर पाप करते रहे, तो ऐसा करना खंडित किया गया है शास्त्रों के अंदर। तो अगर अनजाने में पहले हो गया था पता नहीं था तो भगवान मुक्त करेंगे, लेकिन भगवान परमिशन कार्ड नहीं दे रहे कि तुम अब मेरे भक्त बनकर तुम करते रहो और माला करते रहो पूजा करते रहो पाप करते रहो, ये नहीं, ऐसा नहीं, शास्त्र मना करते अनुमोदन नहीं करते। प्रभु जी एक और है जैसे हम लोग शिव जी भगवान जी को ना धतूरा भांग ये सब चीजें चढ़ाते हैं, बट वो तो प्योर वैष्णव है उनको नहीं चढ़ाना चाहिए, बट लोग फिर भी शिवरात्रि को वो चढ़ाते ही चढ़ाते हैं, कहते हैं कि भाई इसके बिना तो होता ही नहीं है कुछ भी, इवन मंदिरों में भी प्रसाद आगे बन
तो कई तो ऐसा भी कहते हैं कि शिवरात्रि का व्रत रखा है तो हम लोग सुबह उठ के जब भी सुबह अपना व्रत खोलना तो पहले भांग का हल्का सा मुंह को लगाओ। तो प्रभु जी ये भी तो एक तरह से पाप ही है कि हम लोग एक भगवान जी जो वैष्णव भगवान है उनको हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, और सेकेंडली जो काली माता हैं उनकी भी ऐसे किया जाता है कि उनके वहां पे बलियां चढ़ाई जाती हैं, जबकि उन्होंने उनका जो कंसेप्ट था वो डिफरेंट था, जो उन्होंने रक्त किया था तो आई थिंक वो रक्त बीज के लिए उन्होंने रक्त किया था कि उनका ऐसे कुछ था, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे पक्का नहीं पता, अगर गलत होंगी तो उसके लिए सॉरी। तो ये चीजें जो की जाती हैं तो ये अब जो भी काम किए जाते हैं तो ये भी एक तरह से हम लोग अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग एक तरह से पाप ले रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि बहुत आसपास के लोगों को हम लोग देखते हैं जब हम लोग उनको बोलते हैं कि आप लोग ऐसा मत करो, वो लोग उल्टा हमें सुना देते हैं, बट फिर भी हम मुझे ऑनेस्टली बहुत गलत लगता है ये चीज। मैं तो बोल देती हूँ, टोक देती हूँ हर किसी को, बट वो लोग उल्टा बोलते हैं नहीं तुझे ज्यादा पता है, तू छोटी है, तू ये है, तू वो है, तुम लोगों को नहीं पता, आजकल के बच्चे ऐसे, आजकल के बच्चे वैसे। और जैसे शिव जी को पानी चढ़ाया जाता है शिवरात्रि में, उनको तो इतना पानी चढ़ाया जाता है, पूछो मत, दूध, तो वो इस चीज को भी लेके जैसे किया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे ठीक किया जाए, जबकि ये चीजें मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग भगवान के लिए एक तरह से हम लोग पाप कर रहे हैं उस टाइम पे, जो चीज है नहीं है हम लोग वो चीज कर रहे हैं, तो वो तो कैसे ठीक हो सकती है सोसाइटी में। देखिए, कभी भी सोसाइटी का 100% तो ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि समाज में नेगेटिविटी फैली हुई है चारों ओर, गलत करने वाले लोग बहुत हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग गलत कर रहे हैं। तो समाज में अगर पॉजिटिविटी लानी है तो कहते हैं चैरिटी बिगन्स फ्रॉम होम, चैरिटी शुरू होती है अपने घर से। आप अच्छे भक्त बनिए, जो लोग आपकी बात सुनते हैं उनको बताइए, एक भी इकाई बदलेगी धीरे धीरे, और हजारों लाखों करोड़ों लोग अगर बदल गए घर बैठे तो बदलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन शुरू किया जिसको प्रीचिंग मूवमेंट कहते हैं, प्रचार का मूवमेंट। आज मैं अपने घर में बैठ करके, अपने मंदिर में बैठ करके आपको प्रवचन दे रहा हूँ, तब आप तक ये ज्ञान पहुंच रहा है। अगर मैं भी अपने धन कमाने में लगा रहता, मैं भी पैसे कमाऊंगा, अपने परिवार को खाना खिलाऊंगा, संडे के दिन घूमने जाऊंगा, तो कैसे चीजें ठीक होती। इसलिए प्रचार एक ऐसा माध्यम है, प्रचार के माध्यम से ही आप इसे ठीक कर सकते हैं। हमने इसीलिए इतना सारा हरे कृष्णा टीवी हमारा चल रहा है, ये हरे कृष्णा टीवी 6 करोड़ घरों तक जाता है। हरे कृष्णा टीवी का यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ लोग भक्त बन गए। तो प्रचार करना पड़ेगा, तो हम तो ये कहेंगे हर व्यक्ति जो आज इस प्रवचन को सुन रहा है उन्हें आगे जाकर के महिमा बतानी चाहिए कि देवी देवता कभी मांस मदिरा रक्त ये सब नहीं पान करते हैं। आज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, उसका पान करा रक्त का, तो क्या हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह भगवान को खून का भूख लगाने लग जाए। तो भगवान अपने भक्तों पर कृपा करके कभी कुछ करे उसको नियम नहीं बनाना चाहिए। तो भगवान शिव तमोगुणी लोगों का उद्धार तो करते हैं, लेकिन वो तमोगुणी नहीं है, भगवान परम वैष्णव है। दुर्गा जी राक्षसों की देवी तो है, लेकिन खुद तमोगुणी नहीं है, खुद वैष्णवी है। और वैष्णव कभी भांग दतूरा शराब मदिरा है ना मांसाहार इसका सेवन नहीं करते। उनके जो पार्षद है भूत प्रेत, वो लोग उस बलि का उस धतूरे का पान करते। शिव जी कह रहे तुम लोग खाओ और हमको हमारे भक्तों को उद्धार करो, इनको कम से कम देने की भावना तो आएगी, द इंटेंसिटी फॉर गिविंग, कम से कम देने का मन करेगा कि चलो हम भांग ही देते भगवान को। और देते 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 जब इनकी शुद्धि होगी तब एक दिन ये अपना भक्ति प्रेम मुझे देने लग जाए। इसलिए ये सिद्धांत कुछ आए और ये सिद्धांत गलत है। मांस मदिरा शिव जी नहीं खाते पीते, उनको नहीं चढ़ाना चाहिए, ना देवी खाती उनको बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। आप चढ़ाएंगे भी तो वो खाएंगे नहीं, उनके भूत प्रेत खाएंगे। इसलिए बेटर है भजन करें और प्रचार करें ताकि अन्य अन्य समाज में जो भ्रांतियां हैं उनको मुक्त किया जा सके। सिर्फ प्रचार ही इसका एक तरीका और कोई तरीका। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके ज्योति देव प्रभु, प्लीज अपना वीडियो स्टार्ट करें। पूछिए ज्योति प्रभु जी। एक मिनट, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक प्रश्न था। मैं पहली बार ये नरसिंह चतुर्थी व्रत रख रहा हूँ, तो ये जो उपवास खोलने का समय है, कितना बजे खोलना है, क्या क्या खा सकते हैं,
अन्न छोड़ के इसके बारे में थोड़ा पूछना। समग्र राइस खा सकते हैं आप, दूध के प्रोडक्ट पनीर खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, कुटू खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, है ना, चीनी खा सकते हैं, तो एकादशी में जो खाया जाता है वैसे वो भी खा सकते हैं। जी प्रभु जी। और शाम को संध्या काल में 6:30-7 बजे जब भगवान का अभिषेक हो जाएगा तब खा सकते। जी प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, अदिति गंभीर माता जी। हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी। आपकी आवाज आ रही है, तबियत खराब थी फिर भी आपने इतनी सुंदर कथा की, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने बताया कि जब इंद्र जी ने स्तुति की तब उन्होंने कहा कि हिरण्यकशिपु ने उन्हें बंदी बनाया था, तो लेकिन जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गए थे तब तो वो प्रहलाद महाराज की जो माता है उनको बंदी बना के ले जा रहे थे जब नारद मुनि जी ने बचाया, तो तपस्या से पहले या तपस्या के बाद बनाया था हिरण्यकशिपु ने इंद्र को बंदी? तपस्या के बाद, क्योंकि तपस्या के बाद ही तो उसे ब्रह्मा जी से बल मिला कि अब मैं मर नहीं सकता हूँ किसी से, उसके बाद उसने फिर ये सब काम किया। ओके, पूजा भारद्वाज माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जब मैं तो बस सुबह शाम आरती करती हूँ, तो थोड़ा पूजा के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से करनी चाहिए हमें? आरती अगरबत्ती के साथ, दिए के साथ भगवान की आरती करनी चाहिए, सुबह गुरु अष्टकम गाना चाहिए इस्कॉन का, और संध्या काल में गौर आरती गानी चाहिए। तो आप अगर ढूंढेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, मेरे कई सारे वीडियोस हैं इसी के ऊपर, डीटी वर्शिपिंग कैसे करें घर में, तो आप यूट्यूब में अगर डालेंगे प्रशांत मुकुंद दास डीटी वर्शिपिंग सेमिनार, तो आपको मिल जाएंगे, आप उनको सुनिए और आरतियाँ उसमें सब बताई गई कौन सी करनी है, क्या करना, कैसे करना, तो पूरा एक लंबा सेमिनार है। सूक्ष्म रूप में सुबह गुरु अष्टकम और नरसिंह आरती, शाम को गौर आरती और नरसिंह आरती, तुलसी आरती, और अगरबत्ती से, दिए से, जल से, चावर से, पंखे से, पुष्प से भगवान की पंच उपासना की जा सकती है। 4 बजे उठ के भी आरती करते हैं क्या? 4:30 बजे आरती होती है इस्कॉन मंदिर में, बाकी आप जब उठे तब प्रथम आरती वो आपको करनी चाहिए, मंगल आरती कहते हैं, तो वो हमें भी करनी चाहिए। हाँ, जितने भी भक्त घरों में रहते हैं उनको भी करनी चाहिए। 4:30 नहीं कर सकते तो 5 करें, 5, 4:30, 5 बजे जब भी उठ जाए तैयार हो जाए तब करना चाहिए। ठीक है, सारे कुछ। ओके, राधिका यादव मुक्त जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी पूछना था, शाम को 7 बजे के बाद अन्न ले सकते हैं क्या? नहीं खाएं तो अच्छा है, लेकिन अगर रहा ना जाए, ऐसा हो कि हम हमारे प्राण चले जाएंगे तो फिर खा लीजिएगा, क्योंकि कई जगहों पर खाते हैं, कई जगहों पर बंगाल आदि में अन्न खा लेते हैं, लेकिन इस्कॉन में गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में नहीं खाया जाता। जी प्रभु, धन्यवाद। पूजा अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। कैसे हैं प्रभु जी आप? बुरा हाल है लग रहा है, वो तो देख के ही बिल्कुल इतनी सारी मेहनत आपकी पिछले एक हफ्ते से। तो मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है आज के लिए।
हम लोग तो नर्सिंग आरती सुबह शाम दोनों टाइम करते हैं, जैसे कि अपने स्कॉन में होता है, लेकिन आज कुछ विशेष करना है शाम को आरती के लिए हमें? नरसिंह कवच पढ़ सकते हैं, नरसिंह अध्याय भागवतम से सातवें स्कंद का कोई भी अध्याय, दूसरे अध्याय से लेके अगले ग्यारहवें अध्याय तक आप कोई भी एक अध्याय पढ़ सकते हैं। सातवें स्कंद से दूसरे अध्याय से शुरू करना है, दूसरे से लेकर ग्यारहवें में जो आपको अच्छा लगे टॉपिक वो पढ़िए। नरसिंह स्तुति करिए, नरसिंह कवच करिए, आरती करिए, भगवान को भोग लगाइए और 7 बजे फिर अपना अभिषेक देखिए ऑनलाइन, और उसके बाद फिर अपना व्रत वो तोड़ करके अन्न प्रसाद मतलब वो एकादशी प्रसाद अनुकल्प जी। प्रभु जी, तो प्रभु जी हम लोग जैसे कि नॉर्मल आरती करते हैं कि हम लोग पहले भगवान को करते हैं तो वो दिया तो साइड में हो जाता है, तो फिर दिया सब कुछ लगा के हमें वही पे नरसिंह भगवान का भी करना है? हाँ बिल्कुल सेम, मतलब एक बार तो की और आरती हो ही जाएगी। हाँ बस उसी में उसी आरती में नरसिंह आरती भी जब करेंगे तो भगवान नरसिंह को थोड़ा स्पेशल दिया लगा दीजिए, बड़ा दिया कुछ स्पेशल करिए। ठीक है, मतलब नरसिंह भगवान के लिए कुछ खास करना है आज अलग से करना चाहिए? ठीक है प्रभु जी, हो जाएगा वो तो जैसे आप बताएंगे, बस यही सवाल था प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण कांति, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न है, प्रभु जी इससे थोड़ा नरसिंह भगवान के टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन प्रभु जी मैं ये जानना चाहती हूँ पूर्ण शरणागति किसको कहते हैं? गुरु और गौरांगा को जो जो बोलते हैं हर लेक्चर में सुनते हैं कि पूर्ण शरणागति, ये जो नियम फॉलो करना माला करना ये सब तो हमें मनुष्य बनाते हैं, लेकिन पूर्ण शरणागति किसे कहते हैं प्रभु जी? ये मतलब ये बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे लिए। आपके घर में गीता है? जी प्रभु जी। गीता के 18वें अध्याय 66 नंबर श्लोक में 66 नंबर श्लोक में जाइए, 66 नंबर श्लोक में उसमें सारा लिखा है शरणागति का मतलब है। उस पूरे परपट को उसके तात्पर्य कृष्ण प्रभुपाद जी ने दिया है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, हरि भक्ति विलास, उनमें सनातन गोस्वामी आदि उन्होंने जो जो वर्णन किया उसको प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बड़े सुंदर रूप से बताया है कि पूर्ण शरणागति का मतलब है अनुकल्पस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो चीजें मुझे भक्ति से दूर ले जाती हैं उनको त्याग दो, जो भक्ति में आगे बढ़ाती है उनको अंगीकार करो। रक्षति इति विश्वास हो गोतृप्तः वर्णम तथा, रक्षा करेंगे कृष्ण मेरी इस बात पर विश्वास होना चाहिए, और भगवान खाली रक्षा ही नहीं करेंगे मेरा पालन भी करेंगे इस बात पर पूर्ण विश्वास। और कहते हैं आत्मनिरपेक्ष कार्पण्य षड विधा शरणागति ही, भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर दूंगा, और बड़ी दीनता की भावना से प्रभु की शरण में जो जाता है उसको अहंकार नहीं होता कि मैं करता हूँ, कर्ता की भावना को त्याग करके भगवान का भजन करता है उसको कहते हैं शरणागत। तो आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, अभी मैं डिटेल तो नहीं बोल पाऊंगा इस कम समय में। जी हरे कृष्ण, ओके भावना माता जी। अनम्यूट करिए माता जी। हरे आपके सामने मतलब प्रश्न करने को रखी हूँ कि
ये सारे प्रश्न के उत्तर आप दे देते हैं। आज एक प्रश्न आया है जो आप नर्सिंग कथा बता रहे थे, उसमें आपने बोला काम नहीं करनी चाहिए, तो प्रकृति दर्शन प्रोजेक्ट के लिए डॉक्टर धाम होगी, तो वहाँ पे तो शेषनाग भगवान का भी मंदिर उतरा गया, तो शेषनाग भगवान की तो पूजा हो रही थी, तो शेषनाग और जो नाग है वो दोनों अलग अलग थे। हाँ, शेषनाग तो भगवान कृष्ण के जो रूप है बलराम का ही प्रकट स्वरूप, जैसे भगवान कृष्ण अनेक विष्णु रूप लेते हैं, तो भगवान बलराम, भगवान कृष्ण जब विष्णु रूप में सैया में लेटते हैं तो भगवान शेषनाग बलराम जी होते हैं, तो शेष बनकर के उनका बिस्तर बनते हैं। तो जब भगवान कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है, दोनों तत्व से समान है, इसीलिए विष्णु में और शेषनाग में कोई भेद नहीं, दोनों समान है, तो जितनी विष्णु की पूजा होती है उतनी शेषनाग की पूजा हो सकती है। लेकिन शेषनाग संसारी नाग नहीं है, संसारी नाग तो सपेरों के पास जो थे कोबरा आदि, ये भगवान शेषनाग नहीं है, तो इसलिए इनको इनकी पूजा, देखो सम्मान तो सबका करना चाहिए, लेकिन इनको दूध पिलाना ये इनके लिए जहर है, किसी को जहर पिला दो उसे ही समान है कि सर्प को दूध पिलाना, तो सर्प को दूध पिलाने से उसका जहर बढ़ता है, अपने जहर से वो मर जाता है, इसलिए एक जीव आत्मा के प्रति अगर कोई संवेदनशील है तो उसको दूध नहीं पिलाना चाहिए नागो। थैंक यू सो मच। आप कहाँ रहती हैं भावना माता जी? प्रभु जी मैं मुंबई में रहती हूँ, मैंने आपको मैसेज करा था मुंबई, आपसे मतलब चैट हुई है, आज सेकंड लाइव है प्रभु जी मेरा, वैसे मैं ऑफलाइन में सुनती हूँ लेकिन आपका प्रभाव इतना है कि मेरी बेटी सुनती रहती है, तो वो स्पेशल बोलती मम्मी प्रभु जी प्रशांत प्रभु जी चलो चलो, अगर कुछ मुझसे मिस हो जाता है तो मुझे रिमाइंड कराती मम्मी वो गलत छूट गया था, तो अभी वो देखना है आपको ना, मतलब आपकी वाणी नहीं, मैं मतलब उसके पास उसके लिए मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है प्रोजेक्शन करने के, बस इच्छा होती है कि आपके साथ कुछ धाम यात्रा हो कहीं, मतलब आपके चरण नहीं मिले मुझे कि मैं आपके साथ जाऊँ कुछ कहीं, मतलब वो जो आप सुनाते हैं ना प्रभु जी साथ एकदम ऐसा जगह है क्या, उससे नजर नहीं लगती कहीं पर भी कि हाँ वो भगवान स्वयं माता जी की हाँ गोविंद जी वाली पूजा कर रहे हैं, नरसिंह मंदिर वाली पूजा कर रहे हैं, मतलब लिटरली प्रभु जी हाथ भी ठंडे हो जाते हैं जब आप वर्णन करते हैं ना, कुछ ऐसा प्रसंग आता है ठंडे हो जाते हैं हाथ रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब जी कई बार तो मैं मतलब इतनी भावुक हो जाती हूँ कि मेरे आंसू ही नहीं रुकते, तो मुझे लगता है कह रहे हैं मेरे दिमाग का खराब है क्या, मतलब दूसरे लोग ही बोलते हैं मतलब भाई इसका दिमाग खराब हो चुका है, ऐसा सोचा है बोले कि लेकिन सच में प्रभु जी बहुत आपकी कृपा है, आपकी बहुत कृपा है श्री प्रभु पास महाराज जी, जो आपको मतलब क्या उनका ग्रेस कहूँ और क्या प्रभु की पूजा कहूँ, मतलब बहुत कृपा है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भावना, बहुत बहुत धन्यवाद आप। ओके अलका बंसल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मतलब बच्चे जब 11 में है ना, बच्चे लोग पहले 11 का प्रसादम ही खाते थे, लेकिन अब जब से स्कूल खुला है तो सुबह मॉर्निंग में 7 o'clock पे चले जाते हैं, शाम को 4 बजे तक आते हैं, तो वो लोग टिफिन में अनाज ले जाते हैं, तो ये क्या गलत है, क्योंकि घी मतलब घी खाने से गैस हो जाता है और फिर वो वोमिटिंग हो जाता है स्कूल में, तो अब घी मत खिलाओ, मूंगफली का तेल आता है ग्राउंड नट ऑयल, उसमें एकादशी का भोजन बनाया जा सकता है, तो मूंगफली के तेल से भोजन बना, जैसे हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल तो वो लोगों को हम आलू फ्राई करके दे देते हैं, कुटू की आटे की पकौड़ी बनाकर दे देते हैं, तो बच्चे फ्रूट्स दे देते हैं वो खा करके आ जाते हैं, तो कुछ नहीं होता, तो मूंगफली के तेल में आप बना सकते। और प्रभु जी इस 11 में ना मेरे से एक अपराध हो गया, वो मतलब मेरे को खाना नहीं बनाना था, तो बच्चों के लिए बाहर से खाना मंगवाए थे, थाली मंगवाए थे, तो भूल से है ना मेरे बेटे को मैंने राइस खिला दिया, और जब 60% जब वो राइस खा लिया तब मुझे याद आया कि उसको मैंने गलती से राइस खिला दिया, फिर वो उसी समय वो हटा भी दिया, और उसको भी बहुत गिल्ट होने लगा, वो बोला मैं जाके उल्टी कर देता हूँ, मैंने कि नहीं नहीं ये तो गलत हो जाएगा, मतलब अन्न भी तो भगवान का ही दिया है तो ये ऐसे मत करो, तो प्रभु जी मैंने मतलब मुझे तो उस दिन पूरा दिन गिल्ट ही रहा कि मैं भक्त हो के मैं कैसे ये भूल गई कि मैंने उसको अन्न मतलब वो राइस ही खिला दिया एकदम। देखिए कभी ऐसा कभी हो जाता है तो उसके लिए एक बड़े सरल विधि शास्त्र में बताई है, उसके अगले दिन आपको व्रत कर लेना चाहिए और फिर उसका उसके अगले दिन उसको त्रयोदशी में उसको भंग कर लेना चाहिए, पारण करना चाहिए, तो पारण करें उसके अगले दिन,
यानी कि अगर एकादशी में कभी भूल से हम भी काले हैं, अगर जैसे हम लोग से भी ऐसी कभी गलती हो सकती है, तो हमें फिर उस दिन व्रत कंटिन्यू करके अगले दिन भी उस व्रत को कंटिन्यू करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और त्रयोदशी में जाकर के पारण करना चाहिए। तो प्रभु जी मैंने ना फिर उसको मतलब मैंने चार माला फिर चार राउंड मैंने और एक्स्ट्रा कर लिया। सही किया आप, लेकिन मुझे मतलब वो गिल्ट मुझे अभी तक है अंदर। कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, हम सब गलतियों के पुतले हैं और गलती से सीखना चाहिए और आगे इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि दोबारा गलती ना। भगवान जानते हैं, भगवान भक्त वत्सल है, माफ कर देते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। ओके वसुदेव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार मतलब भगवान कहते हैं कि तमो रजो और सतोगुण से परे होना चाहिए भक्ति में, तो हम कैसे हुए, क्योंकि भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि कभी सतोगुण आगे बढ़ता है तो कभी रजो तमो आगे बढ़ जाते हैं, कैसे इन तीनों गुणों से आगे बढ़ना चाहिए। भगवान ने गीता के 14वें अध्याय में बोला है, माम यो अभिचारिणे भक्ति योगे न सेवते सा गुणान समित्ते ही ब्रह्म भूया ही कल्पते। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरी सेवा में लगता है, माम यो अभिचारिणे भक्ति योगे न सेवते, सेवा करता है भक्ति योग के माध्यम से, जप करता है, शास्त्र सुनता है, मेरी सेवा चाहे कोई भी सेवा हो, छोटी से छोटी सेवा की भाई व्हाट्सएप में प्रभु जी का वीडियो फॉरवर्ड कर दिया, पांच लोगों को प्रचार कर दिया कि प्रभु जी का ये वीडियो सुन लीजिए और इसमें थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए कि ये कैसा लगा आपको, उसके हृदय में अगर उसने हरि नाम की दो माला शुरू कर दी तो आपने प्रचार कर दिया। मंदिर में आए, कुकिंग में आती है, सब्जी काट दी, टमाटर ही काट दिया, खीरा काट दिया, तो आपने कुकिंग करने वाले महाप्रसाद का आपने हेल्प कर दी सेवा। मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, आपने अपनी ओर से 100 रुपए दान दे दिए तो आपने उस मंदिर निर्माण में अपनी मदद कर दी। इस तरह से जो भी भगवान की सेवा में भक्ति भाव से जुड़ता है, भगवान कहते हैं माम यो अभिचारिणे भक्ति योगे न सेवते सा गुणान समित्ते, तीनों गुणों को पार कर जाते हैं, ब्रह्म भूया ही कल्पते, और वो ब्रह्म साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार कर जाता है। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। ओके लास्ट अनु मित्तल माता जी, कृपया अपना वीडियो ऑन करें। वीडियो ऑन करने से मेरी क्लास कट जाएगी, इसलिए मैंने अच्छा बंद की वीडियो। नहीं आ रही आवाज, आ रही है, बोलिए। आप प्रभु जी मेरा प्रश्न, प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि जैसे नरसिंह को हमने तुलसी का गार्लैंड डालना चाहिए, तो क्या तुलसी का गार्लैंड बनाते हुए तुलसी के पत्र में सुई चुभेगी तो क्या ये अपराध नहीं होगा? प्रभु जी तुलसी का गार्लैंड डालने की जरूरत नहीं है, और लेकिन तुलसी में अगर सुई लगती भी है, लेकिन जब वो कृष्ण सेवा में जाती है तो सारी त्रुटियों माफ कर देती है, लेकिन हमें जरूरत नहीं, हमें खाली एक पत्र चढ़ाना है, ज्यादा लंबी गार्लैंड बनाने की जरूरत नहीं है, और अगर इच्छा भी हो तो धागे की गार्लैंड बना सकते, धागा लेके तुलसी के पत्र में नॉट लगा के दूसरा नॉट तीसरा नॉट ऐसे करके बना सकते हैं, और अगर सुई लगा भी दी तभी तुलसी माता नाराज नहीं होगी, क्योंकि आखिरी वो भगवान की सेवा में ही लगाई जा रही है, तो हम अपनी सेवा के लिए यूज नहीं कर रहे, भगवान की सेवा के लिए उनको कष्ट सहते हैं, जैसे टूटने का कष्ट भी सहती है, धूप का कष्ट भी सहती है, भगवान की सेवा के लिए, इसीलिए हम जब भगवान की सेवा करते हैं तुलसी महारानी के माध्यम से, तो हम बोलते हैं कि केशवार्थे चिनोमि तुम वरदा भाव शोभने तुलसाय अमृत जन्मसी, ये पत्ता तोड़ते वक्त हमें बोलना चाहिए कि तुलसी अमृत सी, भगवान अमृत के समान तुलसी है, तुलसाय अमृत जन्मसी सदा तुम केशवाय प्रिय, केशव अर्थे चिनोमि तुम वरदा भाव शोभने, मेरे भक्ति भाव का वर्धन करिए, केशव की सेवा के लिए मैं आपका चयन कर रहा हूँ, मुझसे कोई अपराध उसके लिए क्षमा कर, तो ऐसे ही सुई लगेगी लेकिन कृष्ण सेवा में जाएगी तो कोई अपराध नहीं। ठीक है, जो ये मंत्र है रिक्वेस्ट मंत्र, ये प्लीज को सेंड कर देंगे पर्सनली, मैं इसको बोल के फिर याद कर लूंगी। अभी कैसे भेजूंगा मैं मंत्र, आप मुझे मैसेज भेजेंगे तभी मैसेज भेज सकता हूँ।
ठीक है प्रभु जी, मैं आपको लिख दूंगी मैसेज। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण दान प्रणाम। ओके, तो हमारे सबके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। सो परंपरा वाले कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपके मतलब आपने बहुत आप बिजी रहते हैं, लेकिन प्रभु जी आपने आप समय निकाला। और एक्चुअली कल रात को मेरा गला चोक हो गया था, तो मैं पूरी रात यही प्रार्थना कर रहा था, और बाकी कई सारे भक्त भी कर रहे थे कि आवाज नहीं आई तो सुबह का क्लास कैसे होगा। अच्छा। तो वो फिर आखिरी थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप फेस्टिवल का तो आप समय अपने हमारे लिए निकाल लीजिए करिए। और मेनली प्रभु जी आनंद इस चीज का आया, जो देखिए अभी भी मैं वही बोलने वाला था, सबके प्रश्न उत्तर जो प्रश्न उत्तर 17 है प्रभु जी, वो जो सेशन है प्रश्न उत्तर सेशन, उसका ये बात ही कुछ और है। और मैं आज नरसिंह चतुर्दशी है, मैं सभी भक्तों से भी के लिए आज प्रार्थना भी करूंगा, और प्रभु जी के साथ हम लोग एक शो भी चालू करने वाले हैं। उस शो की प्रभु जी शुरुआत करने वाले, जिसमें आप आएंगे प्रभु जी से जितना मैंने क्वेश्चन पूछे है, वो मंडे को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। प्रभु बैनर भी रेडी है, लेकिन अभी पता नहीं थोड़ा विघ्न आ गया था तो नहीं हो पाया। तो मैं प्रार्थना करूंगा सब नरसिंह देव से कि मैं मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंडे से, मतलब ये वाला मंडे नहीं, उसके बाद वाले मंडे से हम लोग चालू करें, और प्रभु जी आप शो का उद्घाटन जो होता है समारोह आप करें, और इसी प्रकार सबके क्वेश्चंस जो है सबके दुविधाओं को का उत्तर दें। मतलब प्रभु जी ये अभी भी हाथ उठे हुए हैं, मतलब कभी सब अभी भी कुछ ना कुछ पूछना चाहते हैं प्रभु जी। तो वो शो ऐसा रहेगा जिसमें आप प्रभु जी से लाइव आके, अब मतलब जूम के थ्रू लाइव आएंगे, और उसमें आप प्रभु जी से क्वेश्चन आंसर आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पूछें। तो थैंक यू सो मच प्रभु आपका समय निकालने के लिए, और मैं प्रार्थना करूँगा सभी के लिए, और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका हमेशा हम लोग को संग मिलता रहे नरसिंह देव से, कि प्रशांत मुकुंद प्रभु हमेशा हरे कृष्णा टीवी से ऐसे जुड़े रहें, और हमारे ऊपर अपनी जो वाणी है उसकी वर्षा करते रहें। और प्रशांत मुकुंद प्रभु जी हरे कृष्णा टीवी में रेगुलर आते रहते हैं, उनका प्रोग्राम बहुत कुछ होता रहता है, तो आप हरे कृष्णा टीवी भी आप लोग देखते रहिए। थैंक यू परंपरा वाणी प्रभु फॉर ऑलवेज एंगेजिंग मी इन हरे कृष्णा टीवी, हमेशा मतलब ये तो आप लोगों की कृपा है कि आप मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति को योग्य बना दिए अपने इस मीडिया के माध्यम से, वरना तो मुझे कोई जानता नहीं था, तो आज लोग जानते हैं वर्ल्ड में, तो उसका सारा क्रेडिट गुरुदेव प्रभुपाद भगवान और सबसे इम्पोर्टेंट हरे कृष्णा टीवी को है, जिन्होंने प्रशांत मुकुंद दास को प्रशांत मुकुंद प्रभु बना दिया है। थैंक यू सो मच आपके सभी टीम के सभी मेंबर्स को मेरी तरफ से आज नरसिंह चतुर्दशी पर दंडवत प्रणाम। दैट हरे कृष्णा टीवी हैज एंगेज्ड मी लास्ट 7 इयर्स इन इस्कॉन डिजायरेटरी एंड आई एम सर्विंग एंड प्रीचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।